Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And even before we begin with the reading, I would like to thank all of you from my heart for being a part of this family. Jitna love, jitna positivity and support aapne mujhe aur is channel ko diya hai, uske liye bahut bahut sara thank you. And I genuinely feel a connect with all of you. Jaise aap mujhe likhte rehte hai, even I feel that. And even I, you know, want to bring more and more readings for all of you, channel more and more energies for all of you. So, you know, recently I was not able to upload the videos, so you know, I had been overworked. And जब हम बहुत ज़्यादा energy work करते हैं ना, तो we feel that, you know, we'll go on a burnout. तो just before that we need to, you know, just calm down all our energies. We need to cleanse the energies around us as well. जो हम बहुत ज़्यादा, you know, दूसरों की चीज़ें problems pick कर लेते हैं, उसको cleanse करना बहुत ज़रूरी होता है. So taking a break to actually rejuvenate is very very important. And you know, I was doing that somewhere. I felt that, you know, दोबारा एक बारी बहुत एक पावरफुल रीडिंग लेकर आने के लिए आई शुड टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम. ओके, सो आई नो यू गाइज मिस्ड मी, आई रेड ऑल योर कमेंट्स, आई मिस्ड यू अ लॉट टू, एंड दैट्स व्हाई, यू नो, आई गॉट दिस रीडिंग टुडे. आई वाज लाइक लेट्स डू इट, आई एम टोटली रेजुविनेटेड, टोटली रिचार्ज्ड, एंड लेट्स गो फॉर इट. सो आज का जो टॉपिक है हमारा, it is going to be about your money and about your career both. Okay, so this is also a channel topic. When I ask spirit what should I be doing next, you know, what is the next topic that people need, to mujhe ye guidance aaya that we should be doing this topic today. So what is your true potential to earn money in this lifetime? Okay, and which career path will help you to get there? सो बेसिकली पहली बात ये समझना कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है, हम कहाँ तक एक्चुअली में पहुँच सकते हैं, यू नो, कितनी बड़ी है हमारी डेस्टिनी, कितना बड़ा है हमारा मनी पाथ. एंड उसके बाद समझना दैट रास्ता क्या है वहाँ पहुँचने का, व्हाट इज द मीडियम या माध्यम जिसको हम बोलते हैं. सो वो चीज़ क्या है, कौन सा करियर लाइन जो है, यू नो, कौन सा चीज़ है जो आपके पर्पज से जुड़ेगा और आपको वहाँ तक ले जाएगा. एंड जो भी और एडिशनल गाइडेंस आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगी आज इस रीडिंग में, ठीक है. सो चूज करने का क्राइटेरिया, आप जिस भी भगवान से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो विजुअली इस टाइम पर, नॉट वैसे बट इस टाइम पर, यू नो, जिस भी भगवान से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिस भी क्रिस्टल से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको चूज करना. दैट विल टेक यू टूवर्ड्स योर पर्टिक्युलर रीडिंग. एंड इफ यू वॉन्ट, अगर आपको कॉलिंग आती है अंदर से, यू कैन वॉच टू रीडिंग्स एज वेल. ओके, तो चलिए जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ पर, यू नो, अगर आप लोग किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, यहाँ तक यू नो एनीथिंग, इवन नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक, एनीथिंग, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, आपको लगता है कि हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, सो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रेमेडीज. यू नो, देर इज अ लॉट ऑफ कस्टमाइज रेमेडीज दैट आई डू, जिसकी हेल्प से मैं ये सब चीजें, आपकी जो ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करती हूँ. ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स, एंड यू कैन डू दैट फॉर रेमेडीज एज वेल. सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वेल्थ के लिए, मनी, स्पेशली मनी से रिलेटेड, अगर आपको बहुत इश्यूज लगते हैं लाइफ के अंदर, ब्लॉकेज लगता है, ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आई डू वाटर हीलिंग फॉर दिस. यू कैन आस्क मी, कम ऑन द पेजेस और ईमेल मी अबाउट वाटर हीलिंग, एंड आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स. आप वो करना शुरू कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू द नंबर, आई कैन नॉट इवन टेल यू द पीपल, देर आर सो डैम मेनी पीपल हु हैव टेकन दीज रेमेडीज एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड मिरेकल्स हैपन इन देयर लाइफ. बिकॉज वंस अगेन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ठीक करने के लिए या कुछ, यू नो, ये सब जो गाइडेंस है ये हम नहीं करते, हम मीडियम्स है एक्चुअली में. भगवान जो है, जो एक हायर पावर है, वो सबको गाइड करती है ये सब करवाने में, ये पावर्स डालने में, ये चीजें आपके लिए, वो ब्लॉकेज हटाने के लिए. सो अगर आप इन चीजों से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं,
always remember you are connecting to the God energy, you are connecting to their energy, the higher sources, the higher powers, they will help you clear this. So don't ever think कि हमारी life में miracle नहीं हो सकता या हमारी life में कोई blockage है तो उनको कभी भी नहीं हटेगा. नहीं, आप अपनी तरफ से effort डालो and definitely आपको results मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे और लोगों ने experience किया है अपनी life के अंदर, यानी कि मैंने भी किया है. Not just others, I myself have experienced this miracle, these powers and how they can change your life completely, and that is why with a lot of confidence I'm telling you that it actually works. Okay, chaliye, let's get started with your reading. Please go ahead and pick your group. I will see you there. Number one, hello and welcome to your reading. If you chose your group with this crystal that is red jasper, या आपने गणेश जी की energy से group को choose किया है, so this is your reading. Let's get started. So red jasper जो crystal होता है ना, this crystal actually connects to your root chakra. ठीक है, आपका grounding, आपका basic money, finances जो life के अंदर होता है. अभी हम abundance की बात नहीं कर रहे हैं, basics की बात करें. Basic clearance होना बहुत जरूरी होता है and this crystal works with that. Whenever I am working with these crystals, especially the red jasper, मैं हमेशा इसको एक root chakra को, you know, अगर blockages है तो उसमें से clearance करने के लिए use करती हूँ. You know, अगर किसी को basics में बहुत ज़्यादा problem आ रहे हैं, financial issues crop in हो रहे हैं, या उनको you know बहुत ज़्यादा किसी तरीके का stress, anxiety, you know, इन सब चीज़ों से related feel हो रहा है, so you need to ground your energy and this is an excellent crystal to do that. Okay, the color is red, very beautiful red, maroonish, grounding energy and the god जो हमने यहाँ पर associate किए हैं, that is Lord Ganesha. And Ganesh ji क्या करते हैं, आपके obstacles हटाते हैं. आपको you know life के अंदर आपका obstacle हटेगा तो क्या होगा, आपको success मिलेगा. Okay, you will get money, you will get the wisdom to earn your money also. So Lord Ganesha helps with all these things. तो कहीं ना कहीं आपने ये crystal अगर pick किया है, choose किया है, तो आपकी life में you know ये सब चीज़ों से related problems, obstacles आ रहे होंगे. Career बोल लीजिए, money बोल लीजिए, you know basics में आपको problems आ रही होंगी. एक बेसिक मनी जनरेट करना या बेसिक एक सक्सेस गेन करना, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करते होगे आप अपनी लाइफ के अंदर और बहुत ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों को लेके. एक तो होता है कि हम कंसर्न्ड है, एक होता है वो एक बहुत अनहेल्दी वे में जा रही है चीज़, तो वो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रहा है. देख लेते हैं आपके करंट एनर्जीज क्या है. ठीक है, व्हाट आर योर करंट एनर्जी, सो दैट हम बाकी की रीडिंग भी कनेक्ट कर पाए. ओके, Ace of Pentacles, okay, in your current energy, beautiful. Yes, then we have the Seven of Pentacles, all right, and we have the Four of Cups, healing, all right. Okay, so group number one, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम से आप यू नो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने मनी में जैसे एक ब्लॉकेज एक्सपीरियंस कर रहे थे. एक बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है फाइनेंसेस आपका, पैसे बहुत रुक रुक के आते हैं, अटक अटक के आते हैं, यू नो, या आपको करियर में अगर आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अटका हुआ है यहाँ पर काम आप लोगों का. ठीक है, रिसेंटली किसी तरीके की आपने कोई नई रेमेडी ट्राई करी या कोई आप लोगों ने अपनी हीलिंग के माध्यम से या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आप लोगों ने कुछ ट्राई किया. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चक्रास दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, यू नो, एनर्जी वर्क, इस तरीके की चीज़ें, कोई एडिशनल हेल्प आपने किया, मंत्र चांटिंग या कनेक्ट करना भगवान से, उस चीज़ ने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी होगी. जैसे मेरे को यहाँ पर एक वो हमारा सिस्टम होता है ना, जो एक बिल्कुल ब्लॉक्ड मोमेंट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर बस एक मूवमेंट शुरू हुआ है, तो मुझे इस ग्रुप के लिए दिख रहा है या तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक मूवमेंट शुरू हुआ है या आप अभी ब्लॉक्ड स्टेट में हो, बिल्कुल इस स्टेज पे आप मुझे दिख रहे हो. ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स भी आ रहे होंगे कि हम एनर्जी हील करते हैं या हम एक ऑल्टरनेटिव मीडियम ढूंढते हैं जहाँ पर हमारी ग्रोथ हो, हमारा जो ब्लॉक्ड फाइनेंशियल है या हमारा जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है लाइफ के अंदर, हम अपने पोटेंशियल पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, नई चीज़ें चाह रहे हैं लाइफ के अंदर, उसके लिए कुछ करते हैं. आपको ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स, आइडियाज़ भी आ रहे होंगे. ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. चलिए अब देखते हैं
even to get started, that what is your true potential, you know, financially आपका true potential क्या है, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा ना कि true potential क्या है, that's when we can aspire for it, तब हम उसके लिए क्या aim कर सकते हैं, right? अगर हमें पता ही नहीं कि हम कितने capable हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम उसके लिए कैसे मेहनत करेंगे, हम उसके लिए वहाँ पर हम कैसे जाएंगे, अगर हमारा कोई vision नहीं होगा, तो vision and goal होना बहुत ज़रूरी है life के अंदर, to understand truly कि आपका potential क्या है, ठीक है? देखते हैं, group number one, आपका potential क्या है, to earn money, okay? Alright, four of pentacles, alright. Then you have eight of pentacles. Occupation. All right, number 34. Number 7. Okay. And then you have angel of balance. Number 12, which again comes to number 3, 7 and 3, a completion once again. All right. 12 नंबर यहाँ पर हमारे को दो बार दिख रहा है, विच इज द नंबर विच सम्स डाउन टू द नंबर 3, विच इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वॉट इज योर पोटेंशियल? यू हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ. ओके, यू हैव, क्या है आपके पास, यू नो, आपके पास आप हो, आपके पास आपकी मेहनत है, आप जो भी लाइफ में कमाओगे ना, आप जो भी आप अबंडेंस कमाओगे, अपनी मेहनत से कमाओगे अपने लाइफ के अंदर. ठीक है, हार्डवर्क से आप भाग नहीं सकते हो बिल्कुल भी, टाइम भी इनफैक्ट थोड़ा स्लो हो सकता है इस इनकम को जनरेट करने के लिए, इंस्टेंट मनी नहीं है यहाँ पर, वेट कर करके, रुक रुक कर, अटक अटक के गाड़ी, यू नो, जो चलती है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो जब जब भी ऐसा होता है ना, वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा पावर ह्योर. हम एडिशनली जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम एक हायर पावर, हायर सोर्स की एनर्जी को अपने साथ ले लेते हैं, तो इट फ्यूल्स दैट कार इन अ ब्यूटिफुल वे एंड टेक्स इट, जहाँ जितनी उसको, यू नो, जितनी उसकी पोटेंशियल नहीं भी है ना, वहां तक भी ले जाएगा. आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ओके, आपके लिए आपकी लाइफ के अंदर जैसे कि एक स्लो ग्रोथ है, ठीक है, बट ग्रोथ ऐसी है दैट सब देखते रह जाएंगे. ओके, अबंडेंस, यू आर केपेबल ऑफ जेनरेटिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ओके, ग्रुप नंबर वन. लेकिन मेहनत से आप बिल्कुल भी भागना नहीं लाइफ के अंदर, ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन हार्ड वर्क. ओके, अपना अपनी मेहनत डालते रहो डालते रहो, दैट्स व्हेन आपको एक कंपनसेशन मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर. कुछ लोगों ने यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी बहुत देखा है अपनी लाइफ के अंदर, तो जैसे स्पिरिट मुझे यहाँ पर बोल रही है दैट आपके लिए कंपनसेशन होगा, जितने आपने प्रॉब्लम्स, जितने आपने ब्लॉकेजेस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं ना, लाइक स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट आपके लिए एक बैलेंस आएगा लाइफ के अंदर, आपकी कंपनसेशन होगी आपके लाइफ में, यू नो, जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर, तो जैसे आपने जितनी मेहनत करी है, जितना एफर्ट डाला है, जितना ट्रस्ट किया है, जितना वेट किया है, दिस विल बी रिवॉर्डेड फॉर यू. That's what I'm saying. ठीक है, potential कितना है, immense potential to earn abundance. You can be abundant in your life. ठीक है, सब कुछ खुद के बलबूते पे करके you can be abundant and create that stability in your life as well. ठीक है, लेकिन definitely एक यहाँ पर मुझे ये भी message आ रहा है कि मेहनत के साथ साथ savings करना बहुत जरूरी है. जैसे you know, कुछ लोगों के लिए होता है ना कि वो generate करते जाते उनका luck factor बहुत ज़्यादा strong हो जाता है. आपके लिए आपका मेहनत आपका luck बनेगा, आपके लिए आपका perseverance, आपका determination, आपकी will power जो है वो आपका luck factor बनेगा. उसके लिए भगवान आपको bless करेंगे, वहां से आपके money and finances जो है वो generate होंगे. ठीक है, ब्यूटिफुल एंड अबंडेंट पोटेंशियल, यहाँ पे मुझे बुक्स भी दिख रही है, तो आपके लिए हायर लर्निंग, नॉलेज, विजडम गेन करना, ये भी बहुत जरूरी पार्ट है. ठीक है, ऑल राइट, आपके आपके लाइफ पर्पस का, आपके करियर का, आपके पैसे कमाने के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखा रहे हैं स्पिरिट. ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर शोइंग मी. ओके, अब देख लेते हैं दैट आपका ट्रू पोटेंशियल क्या, आप इस लाइफ में क्या बनने आए हो. ठीक है, लाइक दैट, एंड यहाँ पर मैं कुछ चिट्स भी पिक करूंगी सो दैट हम देख भी पाए आगे आपके लिए कि क्या करियर लाइन्स यू नो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके पर्पज से जुड़े हुए हैं. ठीक है, आई विल बी पिकिंग 3 योर, चलिए, ओके, 1, 2 एंड 3, ऑल राइट.
सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू पोटेंशियल क्या है आपका, ठीक है? आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? लेट्स सी दैट इनर विजडम. वाओ, आउल एनर्जी, वेरी वाइज, होल्डिंग अ लॉट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, जितना कि आप बुक्स के अंदर गैदर करते हो, बट एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज भी डाउनलोड करना साथ साथ, नॉट जस्ट फिजिकल रियलिटी में, इंटरनली बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें समझना जो सिर्फ फिजिकल लर्निंग से नहीं समझ आती है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, एंड वी हैव द नंबर 4, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, ब्यूटिफुल. All right. आपको जैसे स्पिरिट ना 444 नंबर भी बहुत दिखाएगी, ठीक है? तो आप लोगों को साइंस पे ध्यान देना है, उसके मैसेजेस को समझने की कोशिश करनी है, ओके? एंजल्स वर्क करते हैं आप लोगों के साथ, आई कैन सी दैट हियर, एंजल्स वर्क विद यू. एंड आपके लिए नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में. 888 जैसे अबंडेंस का नंबर होता है, राइट? जनरेट करोगे आप लाइफ के अंदर अबंडेंस, स्पिरिट आपको गाइड करेगी यहाँ पर कि आप कैसे पहुंच सकते हो, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है. माई गॉड, सी वॉट आर दे शोइंग मी योर, यू नो वॉट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डीले. डीले, कुछ लोग यहाँ पे प्रोकास्टिनेट करते होंगे वर्क को, यू नो, बाद में छोड़ देते होंगे कि हम बाद में करेंगे. उनको जब बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है तो दे लिंगर ऑन, वो लिंगर ऑन की एनर्जी बिल्कुल नहीं रखनी आपको. डीले है, बट अगर आप वर्क करते रहोगे उस चीज के लिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट. तो कभी भी रुकना नहीं है ये सोच के कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, रुक जाते हैं, होल्ड बैक कर लेते, बिल्कुल भी नहीं. ओके, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है? आप लोगों का ट्रू पोटेंशियल है, यू कैन अर्न सो मच मनी इन योर लाइफ दैट आप अपना खुद का जैसे प्रॉपर्टी ले सकते हो, अपना घर यू नो इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपना प्लेस, अपना फाउंडेशन. यू नो, हमारी जिंदगी में जो जीने के लिए हमें एक फाउंडेशन चाहिए होती है, नो, वी नीड दोज बेसिक्स टू लिव इन आवर लाइफ, वो आप कर सकते हो. 11-11 दिखा मुझे अभी कैमरा में, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो, ठीक है? डेफिनेटली यहाँ पर जैसे स्पिरिट गाइडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आपके साथ यूनिवर्स की पावर्स वर्क कर रही है आपको आगे लेके जाने को. आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो, आपके साथ हाथ है यूनिवर्स के, भगवान के, स्पिरिट के. सी, जब आप अटक जाते हो, जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ आता है, तो जैसे मैजिकली आपके लिए एक रास्ता मैनिफेस्ट होता है, एंड आप, माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स, लाइक यू विल गेट गूज बम्स, यू नो, ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ के अंदर कि जहां कोई रास्ता नहीं है वह रास्ते बनेंगे. गूज बम्स, आई एम फीलिंग, ओ माई गॉड, लाइक द एनर्जी आई एम फीलिंग फ्रॉम यू गाइज, इट्स सो पावरफुल, इट्स सो स्ट्रांग. माई गॉड, ग्रुप नंबर 1, ब्यूटिफुल. एंड जैसे स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी, यू नो, यू हैव अ लाइफ पर्पज, आपको खुद से चीजें क्रिएट करना है, बनाना है इस दुनिया के अंदर, ये आपका लाइफ का पर्पज है. जैसे आप इससे जुड़ोगे, आप करोगे ये चीज अपने लाइफ में अचीव, आप कर सकते हो, यू नो, गो अहेड एंड डेफिनेटली पर्सिवर. एंड जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, सी मुझे यहाँ पर एक आउल दिख रहा है, यू नो, थोड़ा सा मून की एनर्जी यहाँ पर एक्टिव है, यू नो, नाइट है, नाइट टाइम है, शी इज ऑल्सो वेयरिंग सर्टन थिंग्स. सो आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ना, अपनी हायर पावर्स की गाइडेंस सुनना, मेडिटेशन करना, वहां से जो गाइडेंस आती है उसको लेना, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना, यू नो, पेशेंस रखना अपनी लाइफ के अंदर. आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है वो अपनी लाइफ के अंदर, एंड आपको सिर्फ स्टेप्स लेने हैं वहां पे जाने के लिए. बट यस, यू गाइज आर केपेबल ऑफ सो वेरी मच, सो मच अचीवमेंट इन योर लाइफ आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, चलिए देखते हैं कि कौन से करियर लाइन से जुड़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको इस अबंडेंस तक, आपके इस, यू नो, आपके मनी, आपके सक्सेस तक ये पाथ ले जाएगा. ओके, चलिए, स्पिरिचुअलिटी. वाओ, माय गॉड, दैट्स वेयर द इनर विजडम किक्स एंड दैट्स वेयर द पर्सीवरेंस कम्स एंड दैट्स वेयर ऑल द लाइफ लेसन्स गेट एक्टिवेटेड. हार्ड वर्क, माय गॉड, कोई भी स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में इजी मनी नहीं होता है, लेट मी टेल यू दैट. जितना आप लोगों को सामने दिखता है ना, दैट अच्छा चलो एक अगरबत्ती जला ली हम लोगों ने या एक क्रिस्टल पहन लिया, सारे पैसे आ जाएंगे दुनिया के, बिल्कुल भी नहीं. बिहाइंड द सीन्स इतनी मेहनत होती है स्पिरिचुअलिटी में टू
you earn the money because you are earning through spiritual mediums. आप सिर्फ आप नहीं हो, आप स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की एनर्जीज प्रोसेस कर रहे हो, आप कितनी चीजें एक टाइम पर कर रहे हो. तो स्पिरिचुअलिटी हमारे पास यहाँ पर है एंड दिस करियर लाइन फॉर यू, माई गॉड, इट्स गोना टेक यू प्लेसेस. स्क्रिप्ट नंबर वन. ऑलराइट, लेट्स सी. मैंने थोड़े से एडिशनल गाइडेंस डाल दी थी इसके अंदर सो दैट आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, आपके भी जो एस्पेक्ट्स है वो ब्रॉडन हो पाए. ठीक है, so we have occult sciences, occult se related, tarot readers, reiki, we have crystal healing, numerology, astrology, we have energy healing, we have theta healing, teachers, you know, counselors, is cheez ke andar ye sab line of work aap jod sakte ho in sab cheezon se. theek hai, this is like you guys, agar aapko ek calling aati hai, agar aapko lagta hai I should do it, definitely this is like a confirmation for you. okay, then you have technology. okay, so we have IT, software, developers, reaching people. तो यहाँ पे कुछ लोग, जैसे आप लोगों का purpose और लोगों तक पहुंचना, और लोगों तक spirituality, अपनी अपनी voice लेकर जाना, अपना काम लेकर जाना, ठीक है, इन सब चीजों से जुड़कर एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे कुछ क्रिएट करना, ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर ऑल ऑफ यू, डेफिनेटली. ओके, एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को काम जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है, oh my god, we have aesthetics. okay, so we have fashion. aesthetics क्या होते हैं, जो हमारे visually बहुत pleasing होते हैं, जो हमारे visual sense को activate कर देते, तो ऐसे कामों से जुड़ना. okay, I'll give you a few examples, but since this is a general reading guys, you need to interpret things yourself as well. okay, so we have fashion industry, makeup, interiors, painting, theater, stylists, products and graphics. okay, इन सब चीजों से कनेक्टेड, एंड आप इन सबको मिक्सअप भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक्स बनाना रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड लोगों तक पहुंचाना, या कोई प्रोडक्ट डेवलप करना इन सब चीजों से रिलेटेड एंड देन सेलिंग इट ऑनलाइन, यू कह रहे, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सोल कॉलिंग्स, दिस इज अ गाइडेंस, लेकिन आप कैसे इसको मर्ज अप करके गाइडेंस को यूज कैसे करते, दैट्स ऑन यू गाइज, दैट्स ऑन यू. ओके, चलिए लेट्स सी नाउ, और भी मैं कुछ देखूंगी कार्ड्स आप लोगों के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिमिट यू नो दीज थिंग्स हियर एट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू. देखते हैं और क्या पोटेंशियल करियर लाइंस है आप लोगों के लिए. ठीक है, ओके, चलिए. सो वी हैव क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यस, वो मुझे एस्थेटिक्स में दिख रहा है यहाँ पर, एंड दिस क्रिएटिव एक्सप्रेशन कार्ड जस्ट ड्रॉप्ड ऑन माई टेक्नोलॉजी. सो डिजिटली कुछ क्रिएट करना, आर्टवर्क क्रिएट करना, ऐसा कुछ करना, यू नो, या फिर आप अपना इन सब टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन करना अपने काम का. योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट सेल्फ क्रिएटिवली, टेक दिस एज अ साइन एंड यूज इट माई डियर. ओके, स्ट्रेंथ, वाओ, सो एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज मेड यू स्ट्रांग एंड करेजियस, डेफिनेटली. इन सब चीजों से जुड़ के स्ट्रांग ना बनो कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल. ओके, सो डेफिनेटली यूज दैट एंटायर करेज. जो चीजों ने आपको तोड़ा है ना, उन्हीं चीजों को लेकर दोबारा उठो एंड वो ही स्प्रेड करो दुनिया में कि आप कैसे उठे, हाउ डिड यू डू इट, व्हाट हेल्प्ड यू. बट पहले खुद उठना जरूरी है, पहले खुद उठकर आगे बढ़ना जरूरी है. उन सब चीजों को अपने आप को गिराने मत दो, या डोंट लेट दैट थिंग होल्ड यू बैक, एक्चुअली पिक इट अप एंड मेक इट योर स्ट्रेंथ, मेक इट योर पावर. ओके, एंड देन गो अहेड. That's sort of a thing I'm seeing for you. यहाँ पर कुछ मेरे को जैसे motivational speakers, life coach, अपनी stories express करना, लिखना, you know, उन चीजों को लोगों में फैलाना, उनको एक नई दुनिया दिखाना कि आप सिर्फ ये नहीं हो, अगर गिर गए हो तो वहीं नहीं रहना है, उठो आगे बढ़ो, वो वाली चीज भी दिख रही है आप लोगों के लिए, जो आप you know लोगों को में हिम्मत डाल सकते हो, दे सकते हो उनको आगे बढ़ने के लिए, definitely. okay, पेंटर्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जैसे अपने हाथों से चीजें एक्सप्रेस करना, राइटर्स, यू नो, चीजें, आप कुछ सोल से आपकी चीज एक चैनल होकर निकलेगी एंड आप उसको एक्सप्रेस करोगे, यू नो, एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर. इट कुड बी थ्रू योर वॉइस ऑल्सो, बट डेफिनेटली उसको बाकी लोगों तक पहुंचाना. आपके अंदर जैसे एक बहुत रिच दुनिया है, बहुत रिच वर्ल्ड है, स्प्रेडिंग इट आउट इन द यूनिवर्स इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, यू हैव बॉडी वर्क. ओके, so your life's purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, again we have your very strong confirmations, physical therapy, exercise training. theek hai,
तो बॉडी से रिलेटेड, इट कुड बी ऑल्सो योगा, इट कुड बी ऑल्सो ट्रेनर्स, फिटनेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जहाँ पर आप एक एक एनहेंसमेंट कर रहे हो, एस्थेटिक्स को भी एनहेंसमेंट कर रहे हो एंड अपने आप को भी इनर वे में भी एनहेंस कर रहे हो, वो चीज़ यू नो आर्टिस्ट हो सकते हो, टैटू आर्टिस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर, यू नो, या किसी तरीके का कुछ ऐसा गारमेंट बनाना, किसी तरीके की ऐसी चीज़ें बनाना, प्रोडक्ट्स डेवलप करना विच कैन हेल्प पीपल एंड एस्थेटिकली दे आर वेरी प्लीजिंग एज वेल. ओके, सो डेफिनेटली इन सब चीजों से रिलेटेड दिख रहा है. और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, लुक फॉर फेरीज एंड नंबर 30. डेफिनेटली आप लोगों के साथ जैसे एंजल्स वर्क कर रही है, आपके पीछे छुप छुप के एंजल्स जैसे आपको देखते रहते हैं, आपको बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखती होंगी, आप बहुत ज्यादा मैजिकल चीजों में बिलीव करते हो, रेनबोज एंड आई एम सींग ऑल ऑफ दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. आपको ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स झुकाव भी है, वो भी दिख रहा है, जैसे आप ऑलरेडी अवेयर हो काफी चीजों के बारे में, आप में अवेयरनेस है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आप बिलीव करते हो हायर पावर्स में, हायर फोर्सेज में, ठीक है. एंड यहाँ पर जैसे आपके साथ है आपकी गार्डियन एंजल्स, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स, आपके साथ वर्क करते हैं, आपका प्रोग्रेस बार बार चेक करते रहते हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो आपको मैसेजेस देंगे, साइंस देंगे कि ये ठीक नहीं है, ये करो वो करो, इस टाइप की चीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. ओके, नंबर 333 भी दिखता होगा. सो असेंडेंट मास्टर्स आर ऑल्सो वर्किंग विद यू, आई एम सीइंग दैट. ओके, डांस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एंड कितना मतलब ब्यूटिफुल, आई लव दिस कार्ड पर्सनली, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है एंड मुझे कार्ड भी बहुत पसंद है. सो यहाँ पर अपनी जैसे कोई एनर्जी फ्लो होने दे रहा है, डांस इज नॉट जस्ट डांसिंग, यू आर डेफिनेटली आप लोग डांस थिएटर इन सब चीजों से भी कनेक्टेड हो सकते हो, बट यहाँ पर मेरे को एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे अपनी एनर्जी को मूव करना, स्वे करना, यू नो, बीइंग ट्रैंक्विल, एंजॉयिंग योर लाइफ वंस अगेन, हैविंग दैट मैजिकल टाइम ऑफ योर लाइफ. ओके, इन चीजों से कनेक्टेड आप कुछ ऐसा करो जो जो आपको मजा आए, जो आप एंजॉय करो. बहुत फ्री स्पिरिटेड एनर्जी दिख रही है मुझे इस ग्रुप की, जैसे कोई बांध नहीं सकता, केज नहीं कर सकता, बट यहाँ पर सी जो हार्डवर्क है ना उसको अपना केज मत समझना, हार्डवर्क डिटर्मिनेशन हम सबको करना पड़ता है लाइफ के अंदर, ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत फ्री स्पिरिटेड में होके वो हार्डवर्क है, वो बहुत फ्री स्पिरिट में रहके बहुत इंजॉय करते करते मजे करते करते लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है. अगर आपको अभी करंटली ऐसा लगता है कि हम लाइफ में इस एनर्जी में नहीं है, तो आप अभी सही पर्पज से कनेक्टेड नहीं हो या सही चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में आपका काम इस तरीके का है. ओके, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. चलिए अब हम देखते हैं थोड़े से और एडिशनल गाइडेंस के, व्हाट इज योर फील्ड ऑफ वर्क, किन लाइन से जुड़कर आप जो है ये प्रोग्रेस, ये सक्सेस पा सकते हो अपनी लाइफ के अंदर. ओके, नाइन ऑफ वॉन्स ब्यूटिफुल, ऑलराइट, एंड नाइट ऑफ वॉन्स, आई सेड नाइट ऑफ वॉन्स व्हेन इट वाज नाइन ऑफ वॉन्स एंड दे बोथ, ओ माय गॉड, जस्ट रियलाइज्ड. ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपका लाइफ पर्पस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना फ्रॉम नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो यानी कि अगर आप जैसे गिर रहे हो, आपको बार बार तोड़ा गया है, आप बार बार उठते हो, खड़े होते हो, फिर अपना कुछ प्रोग्रेस करते हो लाइफ के अंदर, फिर गिर जाते हो, फिर गिर जाते हो, तो आप अपने आप को बहुत हारा हुआ फील करोगे लाइफ के अंदर. आपने आपको ऐसा लगेगा आई एम अ यू नो आई एम लाइक अ वॉरियर, जैसे मेरी लाइफ एक बैटल बन चुकी है. लेकिन इस एनर्जी में आप अपने लाइफ पर्पज से नहीं जुड़ोगे. जब आप लाइफ को इस फन वे में जीना शुरू करोगे, आप हर एक बैटल को, हर एक चीज को जो लाइफ आप पे थ्रो करती है, उसको एक फन की एनर्जी, उसको लेके उठा के कुछ चीज बना देना उससे. जब आप इस एनर्जी में, फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में चले जाओगे ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, फायरी, फन, ओके, क्रिएटिव, सी इन दोनों में फायर है, वॉन्ड्स, ओके, इन दोनों में फायर है बट एक अलग तरीके की. ओके, दिस रिमाइंड्स मी मोर ऑफ द फायर जो यू नो एक बहुत बुझी हुई जो फायर होती है, यू नो, एक जो बहुत ज्यादा डल चीज होती है, जो आगे बढ़ने के लिए यू नो बस इतनी सी रोशनी हो जाए या इतना सा लाइट हो जाए कि हम आगे बढ़ पाए, कुछ थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, बट नहीं, आप तो खुद लाइट हो ग्रुप नंबर वन, आप तो अपने आप को क्या, आप सबको इल्यूमिनेट कर सकते हो, यू आर लाइक द सन. सो डोंट थिंक कि बस वो आपको थोड़ा सा कोई रास्ता दिखा दे, आपको गाइडेंस दे दे, नहीं, आप दूसरों को दे सकते हो वो गाइडेंस, वो विजडम. इस एनर्जी में तो आओ, स्टार्ट हैविंग फन इन योर लाइफ. एनर्जी बहुत सीरियस हो गई है यहाँ पर, मुझे वो फील हो रहा है जैसे कोई बिल्कुल फन करना लाइफ में भूल गया है, अपनी सेक्रल चक्रा को एक्टिव करना भूल गए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स लाइफ में फेस कर करके कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत सीरियस हो गई है यहाँ पर. तो उस चीज पे वर्क करो, स्टार्ट हैविंग दैट फन इन योर लाइफ. ओके,
सीरियस रह के कुछ नहीं मिलेगा आपको. ओके, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, इट इन्वॉल्व्स योर क्रिएटिविटी. यूज दैट. ओके, चलिए. ओके, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए दैट गाइडेंस क्या है यहाँ इस रास्ते पे पहुंचने को, इस अबंडेंस को क्रिएट करने को अपनी लाइफ के अंदर. आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, फाइंडिंग सैंक्चुरी. ओके, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. यस, कुछ लोग यहाँ पर जिसे क्लोज्ड ऑफ है, अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो हायर फोर्सेज, हायर रेल्म्स के साथ, उन पर ट्रस्ट, फेथ नहीं रख पा रहे हो, क्राउन चक्रा जैसे आप लोगों का ब्लॉक्ड हो सकता है, उस चीज पे वर्क कीजिए. ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, वहां पर ही जाकर आपको ये सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर, आप ये मनी जनरेट कर पाओगे अपनी जिंदगी में. Listening to wisdom, beautiful. मैंने बोला ना यहाँ पर जैसे स्पिरिट आपको बार बार messages, signs भेजेगी कि आप अभी गलत कर रहे हो, ये सही है, यहाँ जाओ, वो करो. आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है. आपका ancestor spirit भी आपके साथ work करते होंगे, आपको crows भी दिखते होंगे, ठीक है. And आपको specially जैसे आपको एकदम से आपको लग रहा है बहुत अकेले हो, एकदम से आपको लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स है, आपको एकदम से बर्ड्स दिख जाए, एकदम से क्रो स्पिरिट दिख जाए, तो जैसे आपके लिए मैसेजेस है, साइंस, यूनिवर्स साइंस भेजती है, बटरफ्लाई भी भेज सकती है एकदम से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, डोंट वरी. या एंसेस्टर स्पिरिट आपके साथ वर्क करे, यू नीड टू लिसन टू विजडम. आप लोग क्लियर ऑडियंट हो सकते हो, यानी कि आप मैसेजेस अपने ईयर्स, अपने सुनने के थ्रू चैनल कर सकते हो. आपको बेल्स की आवाज सुनाई दे सकती है, एकदम से टिंगलिंग, एकदम से किसी की आवाज किसी और लैंग्वेज में, या एकदम से ऐसे फील करना कि मुझसे कोई बात कर रहा है, या आप कोई क्वेश्चन पूछो एकदम से उसका आंसर आपके यहाँ पर आ जाए, आप येस नो पूछो एकदम से आपको येस सुनाई दे, या एकदम से कोई सॉन्ग के थ्रू आपको मैसेज चैनल हो जाए. ये मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ऐसी चीज है. ऑल राइट, यू हैव प्लेजर. ओके, एंड नंबर 18, नंबर 9, आप लोग ना अपनी लाइफ के अंदर जैसे एक बहुत मेजर साइकिल खत्म करने के बाद इस नई एनर्जी में स्टेप इन करोगे, जिंदगी को देखने का नजरिया जो है आपका चेंज होएगा, तब जाकर आप इस न्यू एनर्जी के अंदर शिफ्ट हो जाओगे, वो मुझे दिख रहा है. एंड ब्लू बटरफ्लाईज यहाँ पे मेरे को दिख रही है, ठीक है. आप लोग अपने एक्सप्रेशन, थ्रोट चक्रा से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो. आपका थर्ड आई, आपका क्राउन, आपका एनर्जी और वाइट ब्लू पर्पल मुझे दिख रहा है यहाँ पर. आप इस एनर्जी में आ जाओगे, जब आओगे ना तब आपके लिए ये सब चीजें बनेंगी लाइफ के अंदर, ठीक है. बटरफ्लाईज आपको बहुत गाइड करेंगी, बटरफ्लाईज आपको हमेशा जैसे अपनी लाइफ के अंदर चीजें दिखाएंगी, आपको इंपॉर्टेंट टाइम पे फेदर्स, इंपॉर्टेंट टाइम पे बटरफ्लाईज दिख जाए, ऐसी चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. आपके साथ बहुत एनर्जीज वर्क कर रही है ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स की बहुत एनर्जीज आपके साथ वर्क कर रही है. ओके, जब आप भी उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ वर्क करोगे, वो आपको ले जाएंगे उस साइड डायरेक्शन में. आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, दैट्स ऑल यू नीड. यू नीड टू लिसन टू देयर गाइडेंस, देयर इंट्यूशन एंड योर सेल्फ. ओके ओके, सो यू हैव लॉन्गिंग फॉर होम. ऑल राइट, belonging, the original light workers, आप लोग star seeds, light workers हो सकते हो. longing for home, यहाँ पर ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है that I'm not at home, वो वाला एक feeling, जैसे कि हमेशा वो एक घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होती है, राइट. घर वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि हमारा घर है, एंड यहाँ फिजिकल घर की बात नहीं हो रही है. आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा लाइक आई डोंट बिलोंग हियर. आप दूसरों से अलग हो सकते हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हो सकते हो दूसरों से, जो आप फील करते हो, जैसे आप रहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील होता होगा दैट आई एम नॉट एट होम. लेकिन जैसे यहाँ पर आप बिलोंग नहीं करते, आप कहीं और से हो, ऐसी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपको आती होंगी, ठीक है. एंड डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जैसे अपना खुद का घर बनाओ. होम इज नॉट अ प्लेस, इट्स दैट फीलिंग. ओके, वो फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करो. जैसे मुझे आपके साथ एक कम्युनिटी जुड़ती हुई दिख रही है, जैसे आप बहुत लोगों के लिए घर बन जाओगे, आपसे बहुत लोगों को होमली फीलिंग्स आएंगी. ओके, आप जब वो फील करना शुरू करोगे ना, आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगी दूसरे लोगों को भी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. जैसे मेरे ना एक कमेंट में मेरे को किसी ने लिखा था ये चीज, दैट आपके योर चैनल फील्स लाइक होम. और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरे को पर्सनली जैसे मैं हमेशा बताती हूँ मैं कौन सा ग्रुप चूज करती, शायद नंबर 1 एनर्जीज देख के मेरे को नंबर 1 बहुत ज्यादा फील हो रहा है. एंड ये चीज मेरे साथ भी होती थी, दैट लॉन्गिंग फॉर होम. आई यूज टू ऑल्सो कॉन्स्टेंटली फील लाइक आई एम नॉट एट होम, दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग. ओके, बट
this thing, this community, Kali Rang, now feels like home to me. All of you together, all of us together, this community, it feels like home to me. I found that somewhere and you guys need to do that as well, okay? तो ये चीज़ मैंने भी कहीं ना कहीं सीखी है दैट आप वो कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो. क्या आप मिस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर? हायर फोर्सेस, हायर रेल्म्स, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट, वो हायर पर्पस, वो सोल पर्पस. जब आप इन सब चीज़ों से कनेक्ट होगे ना, आपको लगेगा आप घर आ गए हो. ओके, ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. सो what a beautiful reading group number one. I absolutely loved it. And even before I finish, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी that अगर आप लोग किसी भी तरीके के obstacles face कर रहे हो अपनी life के अंदर, finances से related, spirituality से related, रास्ते नहीं समझ आ रहे या कुछ भी आपको लाइफ पाथ नहीं समझ आ रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको हेल्प चाहिए, यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी. आई गिव कस्टमाइज रेमेडीज. मैं वाटर हीलिंग करती हूँ फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, फॉर सक्सेस, फॉर योर करियर. आई गिव अ लॉट ऑफ कस्टमाइज हीलिंग. क्रिस्टल्स भी होते हैं मेरे पास कस्टमाइज. ओके, तो आप लोग यू नो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू विद पर्सनल रीडिंग्स एज वेल. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडे. आई लव ऑल ऑफ यू गाइज. आई विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप यू रीच दिस पोटेंशियल. आप अपने आपको समझो एंड इस पोटेंशियल तक पहुंचो एंड डेफिनेटली वन डे कम बैक टू मी. डू लेट मी नो योर प्रोग्रेस. आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड स्टोरीज. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ग्रुप नंबर वन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट. Group number two, hello and welcome to your reading. If you chose this crystal, that is the green aventurine, or you got connected to Lakshmi Mata's energies, this is your reading. Let's get started and find out what is your true potential of earning money in this lifetime and kaun sa career path aapko wahan tak le jayega. Additional guidance also for all of you. Okay, so ye jo crystal hai na, this is a very very beautiful crystal. Okay, the energy of this crystal is connected to your heart chakra. Okay, heart se connect hota hai and prosperity. Okay, for me this color green, it defines the prosperity. Okay, basically aap apne change lekar aana life ke andar, obstacles ko overcome karke ek transformation lekar aana, and then you are able to attract things into your life. Ye is cheez ka crystal hota hai. Theek hai, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप के लिए जैसे आपने चूज किया, लक्ष्मी माता इज द गॉडेस ऑफ मनी, प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, तो आप लोग इन एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो. आप अपनी लाइफ के अंदर जैसे ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इस टूवर्ड्स जा रहे हो टू अट्रैक्ट योर फाइनेंसिस, टू अट्रैक्ट द डिजायर्ड करियर. ओके, हीलिंग भी चल रही है मुझे इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए. मुझे आपकी हार्ट, स्पेशली हार्ट की हीलिंग, जैसे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, आप चीजों को डिफरेंट लाइट में देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स गेटिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, अट्रैक्टिंग फाइनेंसेस एंड मनी इन टू योर लाइफ. ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है. ओके, लेट्स सी. चलिए, जस्टिस. ओके, द फूल. लिब्रा एनर्जी एकदम, लिब्रा बहुत मतलब मेरे लिए एकदम वाइब्रेंट हो गया. मैं साइंस भी तब बताती हूँ जब मुझे अंदर से लगता है दैट आई एम यू नो दिस इज सम कनेक्ट फॉर समबडी. तो लिब्रा जैसे आप लोगों के लिए यू नो बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है. आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इस स्टेट में हो सकती है. ओके, एंड इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, यू हैव द फूल, राइट. न्यू विजन एंड यू हैव साइलेंस. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ग्रुप नंबर वन, अभी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है दैट व्हाट इज हैपनिंग ना, आप जैसे एक नई बिगनिंग चाह रहे हो. मैंने बोला ना आपको ये क्रिस्टल से भी मुझे फील हुआ यहाँ पर दैट आप जैसे अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाह रहे हो, न्यू चीजें करना चाह रहे हो. यहाँ पर कुछ लोग अपना करियर, अपना बिजनेस या जो भी आप लोग करते हो, जॉब, आप लोग सब आप लोग किसी तरीके का चेंज चाह रहे हो जिंदगी के अंदर, राइट. एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक मूवमेंट ऑफ थिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है. यू नो, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना. अगर आपके बिलीव्स ऐसे थे मनी को लेकर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, वो भी चेंज करना, वो भी थॉट पैटर्न्स चेंज करना, वो चीजें मुझे दिख रही है. लेकिन फूल यहाँ पर हमारे पास आया था रिवर्स के अंदर. ठीक है, तो रिवर्स में फूल मतलब नई बिगनिंग. फूल क्या बताता है? न्यू बिगनिंग्स, राइट. आगे बढ़ना जिंदगी के अंदर इन टू द अननोन, राइट. एंड इन रिवर्स फॉर मी, यू नो, इन दिस रीडिंग इट्स मेकिंग मी फील लाइक आप ना
कहीं ना कहीं डर रहे हो ये न्यू बिगनिंग के लिए, बहुत अननोन हो सकती है आपके लिए, बिकॉज लाइफ एक स्टेबिलिटी की लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ जाना, यू नो, इन टू दी अननोन, जस्ट बिकॉज एक इंट्यूशन हो रहा है, कॉलिंग आ रही है तो. बट इस चीज को इरेशनल समझना है आपके अंदर से, आप करोगे, आपका मन है, बट डर ना, कहीं ना कहीं डर से चलना, यू नो, वो चीज मुझे दिख रही है. जैसे एक बनी बनाई लाइफ, एक बने बनाए पाथ को चेंज कर देना क्योंकि कॉलिंग आ रही है, और फिर सोचना क्या ये रैशनल है, क्या ये करना चाहिए, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी चीज है हमारे लिए, वो सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोग अपने माइंड को, मेंटल चीजों को चेंज कर रहे हैं, किसी के थॉट पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. अगर उनको लगा हो कि हम लाइफ के अंदर कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, हमारे लिए पैसे नहीं है, अबंडेंस नहीं है, ये सब चीजें फील करना, तो आप इस लिमिटेशन से आगे जैसे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, आप इन द मिडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन सब चीजों को लेकर मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, देखते हैं अब आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है लाइफ के अंदर. आप हाउ मच मनी कैन यू एक्चुअली अर्न इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है. ओनली व्हेन वी नो दैट, दैट्स द टाइम जब हम वो चीज को अचीव कर पाते हैं लाइफ के अंदर. ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए. ऑल राइट, यू हैव द डेविल. ओके, नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ. सी, टैरो इज जस्ट लाइक देयर टू गाइड अस, टू हेल्प अस चैनल दी मैसेजेस. जरूरी नहीं है यहाँ पे डेविल आ गया तो सब कुछ डेविलिश हो गया, बिल्कुल भी नहीं. हमें देखना पड़ता है कि कार्ड्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ. ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एंड यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, privileged lady, wow. Okay, and then you have the angel of love, beautiful. चलो अब देखते हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों का पोटेंशियल क्या है टू अर्न मनी. माय गॉड, यू हैव अ मैसिव मैसिव पोटेंशियल टू अर्न द मनी, एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज यू हैव द प्रिविलेज्ड लेडी हियर. हु इज अ प्रिविलेज्ड लेडी? लुक एट द वे शी इज ड्रेस्ड अप हर सेल्फ. पीछे घर दिख रहा है हमें, एक गार्डन दिख रहा है, यू नो, शी इज ड्रेस्ड अप टू द, मतलब जो एक ऑप्टिमम लेवल होता है ना, वैसी ड्रेसिंग है, किसी भी चीज की कमी ना होना, लग्जरीज वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. ब्यूटिफुल घर, सिर्फ घर नहीं, बहुत ब्यूटिफुल घर. ओके, ज्वेलरी, दिस दैट, मतलब आप लोगों का जो पोटेंशियल मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, द पोटेंशियल इज इमेंस, इट्स अ लॉट. सी, इवन इन द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेंटिकल आप देखो कितना बड़ा है इस डेक में, यू नो, जो इस जो ये इमेजरी, वी हैव द पीकॉक हियर, एंड वी हैव दिस, यू नो, दिस गाय, लिटिल गाय हु इज होल्डिंग अ लॉट, द वेरी बिग पेंटिकल इन हिज हैंड. मुझे यहाँ पर इस ग्रुप के लिए दिख रहा है, जैसे आप लोग ना, आप लोग एक बहुत जल्दी एज में, यंग एज में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपका ये पोटेंशियल है, बहुत क्विक ग्रोथ है आप लोगों की. ठीक है, मुझे ये दिख रहा है अपनी लाइफ के अंदर, आपको बहुत ज्यादा टाइम या अपने बहुत ज्यादा लेट टाइम तक नहीं वेट करना पड़ेगा टू अचीव योर ट्रू पोटेंशियल. आप बहुत जल्दी आपका ट्रू पोटेंशियल आपको दिखेगा लाइफ के अंदर. ओके, एंड आप उसको अचीव कर पाओगे, आप कर पाओगे उसको अचीव. कुछ लोगों के लिए प्लैनेट्स, कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स उस चीज को सपोर्ट नहीं करते ना, आप लोगों के लिए आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर. यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, ग्रुप नंबर टू, द डेविल योर शोज मी एंड विद द जस्टिस ऑल्सो, दैट आपको ना कोई गलत कामों में नहीं जाना है, बिल्कुल भी शॉर्टकट लेने का जिंदगी में मत सोचना. आपके लिए ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज्ड हो, आपके लिए जैसे ऑलरेडी आपके लिए पाथ्स बहुत ज्यादा बने बनाए होंगे लाइफ के अंदर, आपको मिल जाएंगे लाइफ के अंदर, लेकिन आपको ये शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है जिंदगी में. ये आपको फंसा सकता है, ये आपके काम खराब कर सकता है. ठीक है, कोई भी इलीगल, कोई भी ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, या जहां पे आप किसी को किसी को किसी भी तरीके का धोखा या किसी भी तरीके का एक अच्छी एनर्जी में रह के काम नहीं करना, डोंट डू दैट. वो चीज आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगी, वो जैसे आपको एकदम पकड़ लेगी. जैसे मेरे को सैटर्न की वाइब्स आ रही है, जैसे कि आपको, आप और बहुत ज्यादा फंस जाओगे रादर देन अदर पीपल. सो डोंट डू दैट. ओके, गो बाय द पाथ यू आर सपोज टू टेक. डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी फ्रॉम सैटर्न, शनिदेव से मुझे दिख रहा है यहाँ पर, एंड डेफिनेटली आपके लिए जैसे काम बनेगा. एंड इट्स वेरी यूनिक दिस ग्रुप, बिकॉज यूजुअली शनिदेव को हम देखते हैं कि वो ना डिले करवाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन इस ग्रुप के लिए मेरे को दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना
आपको जल्दी ये सक्सेस मिल सकता है. यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड आप रेमेडीज करोगे ना, आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को, तो बहुत जल्दी चीजें अचीव कर पाओगे. ठीक है. सी इन द टू ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, जैसे ये इल्यूजन को दिखाता है यहाँ पर, एंड डेफिनेटली वो मुझे आप लोगों की लाइफ के अंदर दिख रहा है इस तरीके का इल्यूजन. जैसे आप लोगों का जो माइंड है ना, आप लोग बहुत ज्यादा आपकी बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा ड्यूअल साइंस हो सकते हैं, वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे. आपको समझ नहीं आता होगा लाइफ में कि इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, ये करें या वो करें. हमेशा अपने आपको एक क्रॉस रोड्स पे देखना, हमेशा एक ऐसी जगह आ जाना जहां पर आपको एक डिसीजन मेक करना हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो. ठीक है, इस टाइप की चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है. बट देन आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो. ठीक है, कभी भी आपको लाइफ के अंदर जो डिसीजंस मेक करने हैं, रास्ते चूज करने हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन. लिसन आपको कहाँ पे कॉलिंग आ रही है, वो आपको चीज जो है क्लियर कर देगी. आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है करना, दैट थिंग यू नीड टू डू, फोकस्ड मेडिटेशन. ठीक है, स्पेशली अपने जैसे थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन करना. आप लोगों को अपना मेंटल क्लियरेंस करने की जरूरत है. इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू डू दिस. मेरे को बहुत सारे लोग इस चीज के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं ऑलरेडी. आप लोगों के लिए भी जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, दैट इट वुड रियली हेल्प. अगर आप थोड़ी गाइडेंस लो ना इस चीज को बारे में, वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. ठीक है, बट आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है? ओ माय गॉड, यू हैव एन इमेंस इमेंस पोटेंशियल टू अर्न द मनी. योर लग्जरीज, लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी ऑफ अबंडेंस, वो चीज आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों की. लग्जरीज इज वन वर्ड जो मेरे को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हिट हो रहा है. अच्छा, ये डेविल एनर्जी से ये भी चीज हो सकती है, आप लोग मटेरियलिज्म को अपनी लाइफ का सेंटर मत बनाना. ठीक है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट आए. जैसे कि आप अपना इंटेंशन रखो कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल या आई वॉन्ट टू अर्न द मनी, मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ. ठीक है, लेकिन सिर्फ लग्जरीज के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है. कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज पे झुकाव हो सकता है, यू नो, उनका जैसे सेंटर थॉट पैटर्न बहुत ज्यादा इन चीजों के टूवर्ड्स हो सकता है. सो आपको बोला जा रहा है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस, इट्स एन इल्यूजन गाइज, इट्स एन इल्यूजन. हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो माया होती है ना, माया में फंसना नहीं है. खुद भी बाहर निकलो और दूसरों को भी बाहर निकालो. हमें पैसे चाहिए टू सस्टेन आवर लाइफ्स, एंड जब आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे आपको पैसे आएंगे, आपको सक्सेस आएगा, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना है, एंटैंगल नहीं हो जाना है कि आप वही बारे में सोचते रहो, उसी चीज को, उसी चीज के पीछे भागते रहो. प्लीज हैव अ लग्जूरियस लाइफ, हैव एन अबंडेंट लाइफ, बट डोंट रन आफ्टर दीज थिंग्स. दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, ऑल राइट. आप जो भी क्रिएट करोगे ना, आपको अपने दिल से क्रिएट करना है. यहाँ पे मुझे आपका हार्ट, आपका इंट्यूशन, ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग आ रहा है. मटेरियलिज्म को सोच के कभी भी कुछ मत क्रिएट करना, कुछ नहीं बनेगा लाइफ में. अपने दिल से जो मन कर रहा है करने का, यू नो, जो जहां से फीलिंग आ रही है, गाइडेंस आ रही है, वो चीजों के टूवर्ड्स जब जाओगे ना, जब वहां से क्रिएट करोगे, वो आपको लेके जाएगा आपके पाथ तक. इमेंस पोटेंशियल गाइस फॉर यू. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं दैट आप इस लाइफ में क्या बन सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो, कहां तक जा सकते हो. ठीक है, लेट्स सी दैट. वाओ वाओ, ब्यूटीफुल. यू हैव इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस. डेफिनेटली आप लोगों के लिए, जैसे यू आर द मैन, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि आपको किसी, आप अगर एक लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट, इतने ज्यादा अबंडेंट हो सकते हो कि वो जेंडर्स लोग भूल जाए, आपकी एज भूल जाए, आपका यू नो बाकी चीजें जो एक टैबू होता है, वो सब जैसे आपके लिए वो बैरियर्स क्रॉस हो जाएंगे. एंड यू कैन बी दिस पर्सन, यू कैन क्लेम योर पावर, यू कैन स्टैंड अप एंड यू कैन सपोर्ट अदर्स ऑल्सो. इतने स्ट्रांग हो सकते हो आप फाइनेंशियली. आपके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा अबंडेंस दिख रही है ग्रुप नंबर टू. माई गॉड, there's so much golden here. कितना gold energy है, जैसे आप create कर पाओगे. and see how she's claiming her powers, you know, she's spreading her palms and this palms जैसे कि windfall हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, आप आगे दोगे, आपके पास इतना हो सकता है that आप बांटो. आपको अपने तक इस चीज को सीमित रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you can actually spread it around, it's going to be so very much, that is your potential. okay, wow, then we have balance. Number 11, the balance, it's reminding me of the world. Okay, wheel of fortune, aap apna fortune create kar sakte ho khud. Okay, so much of it, my god. Number 11 is also very vibrant here. Number 11, number 12, progress, growth, aapki life mein jaise growth hoti rahegi, aage badhte rahoge.
ओके वी हैव नंबर 11 ऑल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपको ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं 1, 2, 3, यू नो 4, 5, 6 एंड इस तरीके के, जैसे प्रोग्रेसिंग नंबर्स आप लोगों को लाइफ में दिख सकते हैं. आप प्रोग्रेस करोगे आपकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यू नो ग्रोथ, ट्रांसफॉर्म होते रहना, आगे बढ़ते रहना. आपने कभी रुकना नहीं है, डर के कभी भी रुक नहीं जाना लाइफ के अंदर, बिकॉज आपके लिए ग्रोथ हर एक स्टेप पे, हर एक पाथ पे, जब आप जुड़ जाओगे ना अपने लाइफ पर्पस से, आपके लिए ग्रोथ 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 दिख रहा है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा. आप एल्केमिस्ट हो, यू गाइस कैन मैनिफेस्ट. आप लोग एक 5D की एनर्जी 3D में लाकर क्रिएट कर सकते हो. जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ क्रिएट करना, वहां कुछ बनाना, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. सो मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ओके वो चीज मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए. चलिए अब देखते हैं कौन से करियर पाथ से जुड़ के, कौन से करियर लाइन से जुड़ के जो है आप इस अबंडेंस तक पहुंच सकते हो. ये जो इमेंस पोटेंशियल है आपका, किन करियर लाइन से जुड़कर आपको ये मिल सकता है. ओके लेट्स सी. ओके वील पिक अप 3, 1, 2 एंड 3. ओके ओ वी हैव टेक्नोलॉजी, दिस केम इन ग्रुप नंबर 1. अगर गाइडेंस मिले कोई और ग्रुप देखने को प्लीज जाके देख लेना. अभी मुझे यहाँ पर 1, 4, 4, 4 दिखा. तो आप लोगों के लिए जैसे वंस की सीरीज, नंबर्स की, फोर्स की सीरीज, 1, 1, 4, 4 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, उनसे जाके मैसेजेस लेना. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, अभी मैं आपको समझाती हूँ. ओ माय गॉड लुक व्हाट यू हैव, मनी. आपके पास तो सीधा मनी का ही आ गया निकल कर, गॉर्जियस. ओके एस्थेटिक्स, ऑल राइट सारे देखते हैं फिर एक साथ बताती हूँ आपको मैं. ठीक है चलिए. हीलर, ओके हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिजायर टू शेयर इट विद अदर्स. ओके एंड यहाँ पे ग्रीन क्रिस्टल, यू नो जहाँ रखा हुआ था वहीं पर ये कार्ड आके लैंड हुआ. सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर जैसे हीलिंग पे बहुत ज्यादा झुकाव उनका हो सकता है, एंड वहां से रिलेटेड आपका ये करियर बन सकता है, बहुत ज्यादा अबंडेंट करियर. ओके दिस थिंग, ओ माई गॉड लुक, इनफाइनाइट अबंडेंस. आई डिड नॉट सी दिस कार्ड गाइज, एंड लुक वॉट यू हैव, लुक वॉट यू हैव, माई गॉड. You have infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to the divine life purpose. आप जब जुड़ेंगे अपने life purpose से, जैसे आपकी life में abundance manifest होगा. Abundance is what I'm seeing for you. किसी चीज की कमी ना होना, you know, इतना होना कि आप दूसरों को दे पाओ, like that. Music, your connection with music, okay, is healing for yourself and others. Very interesting. माई गॉड ये ग्रुप में काफी काफी कुछ चीजें निकल कर आई है, बट लेट्स सी. सिंक विद द मून, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी रीडिंग में मून एनर्जीज इतनी स्ट्रांग, इतनी वाइब्रेंट निकल कर आई है. मैंने बोला ना आपको मैनिफेस्ट करना है, पहली चीज मून के साथ साथ आप चलो, यूनिवर्स के साथ सिंक होकर आप चीजें करोगे ना, आपकी ग्रोथ इनफाइनाइट, मतलब इंटू होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी आपकी ग्रोथ, वो मुझे दिख रहा है. वी हैव स्वीट ट्रीट, सो कुक, शेफ, न्यूट्रिशन, खाने से रिलेटेड, ओके ये सब चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. बेकिंग, होटल इंडस्ट्रीज, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके ऑल राइट, देन यू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट डेफिनेटली, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आप लोगों के लिए ये अबंडेंस, ये मनी मैनिफेस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं दिख रहा है. ठीक है, बहुत जल्दी होगा आपकी लाइफ के अंदर, लाइक वेरी क्विक मुझे दिख रहा है. आप लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस, ये जो इंडिपेंडेंस है, अबंडेंस है, अचीव कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर. आपका पोटेंशियल है बहुत जल्दी अचीव करने का. कभी भी मत सोचना कि मेरे को 20, 25 साल, 30 साल वेट करना पड़ेगा ये सब गेन करने को. नहीं, आपके लिए तो बहुत क्विक है, वेरी क्विक. ओके एंड जैसे मेरे को ब्लेसिंग्स दिख रही है भगवान की आप लोगों के लिए, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. जैसे आपको सपोर्ट करेंगे भगवान इस चीज के अंदर, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा आपके पास, आपको इस चीज तक पहुंचने के लिए. कुछ लोगों के लिए मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट, आप दोनों का एक लाइफ पर्पस हो सकता है. एंड जब आप जुड़ोगे, जब आप इस लव की एनर्जी से जुड़ जाओगे, जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जुड़ जाओगे, आप लोग मिलकर एक बहुत और मैसिव अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे. ठीक है देखो, बट इस एनर्जी में जुड़ने के लिए भी आपको अपने पर्पस पे पहले आना पड़ेगा. तो ये किसी की वेट मत किया करो कभी भी, वो जो भी आपके रास्ते में, जर्नी में आए,
गुड, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बट अगर कोई नहीं आ रहा है, अपने ऊपर फोकस करते रहो, वेट नहीं करना, कभी भी रुकना नहीं है किसी की वेट करते हुए लाइफ के अंदर, ठीक है. बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे ग्रुप नंबर टू का ना डिवाइन काउंटर पार्ट भी है यहाँ पर बहुत लोगों का, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है. एंड जैसे आप दोनों का भी एक लाइफ पर्पस है साथ में, जो आप एक बहुत ज्यादा अबंडेंस क्रिएट करोगे टुगेदर, वो मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है. कुछ लोग ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग ना पहले अपने आप बहुत कुछ क्रिएट करोगे, फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जुड़ोगे. पहले आप अपना करियर बनाओगे, पहले आप अपने आप सक्सेस अचीव करोगे, फिर आप जुड़ोगे इस डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है. खुद कुछ अचीव करके पहले इंडिविजुअली, आप दोनों बहुत चीजें अचीव करोगे इंडिविजुअली, एंड देन आप लोगों का यूनियन होगा, देन आप लोग जुड़ोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है. अब करियर लाइन्स में आपको जैसे बता रही थी, देख लेते हैं. सो वी हैव टेक्नोलॉजी में आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रीचिंग पीपल, इन चीजों के थ्रू लोगों तक पहुंचना, या इन चीजों, इन लाइन ऑफ वर्क्स में यू नो जाना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. डेफिनेटली अपनी कॉलिंग की जरूर सुनना, ये सबको गाइडेंस की तरह लेके लिसन टू योर कॉलिंग, ओके, एंड देन यू शुड गो अहेड. देन वी हैव मनी, सो वी हैव अकाउंट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बैंकिंग, इस तरीके की चीजें, ओके, ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स, लोन, टैक्सेशन, यानी मेरे को वो भी बहुत दिख रहा है. जैसे मनी से रिलेटेड करियर्स, बिजनेसेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर मेरे को एक बहुत अलग मैसेज आ रहा है, जो कि हम बिल्कुल इस रीडिंग का पार्ट नहीं है, बट आपके जो पर्सन है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, वो भी इन लाइन ऑफ वर्क्स में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिररिंग इमेजेस है, मिररिंग एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है. सो वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है. जस्ट एन एडिशनल गाइडेंस, ओके, सो टेक इट. Alright, we have aesthetics. So we have fashion, makeup, interiors, painter, theater, stylist, products and graphics. Okay? तो एस्थेटिक्स, जहाँ पर हम विजुअली चीज़ों को अप्लीज करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाना, ऐसी चीज़ें डेवलप करना जो हमें विजुअली बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, एस्थेटिकल लगती है, वो भी चीज़ों के टुवर्ड्स, जैसे आपका एक पर्पस, लाइफ पर्पस हो सकता है. यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, हीलर, डॉक्टर, उस टाइप की हीलिंग करना दूसरे लोगों की, वो चीज़ें, वो आपको कनेक्ट कर सकती है आपके लाइफ पर्पस से. अबंडेंस क्रिएट करना, वो तो है, वो तो दिख ही रहा है मुझे, बट खाने से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, बेकिंग, ओके, क्रिएटिंग समथिंग विथ फूड, डाइटिशन, फिटनेस, इन सब चीजों से कनेक्टेड हो सकता है. डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक भी यहाँ पर निकल कर आया है, सो किसी तरीके का म्यूजिक इंडस्ट्री, ओके, म्यूजिक, या म्यूजिक साउंड थेरेपी के साथ वर्क करना, साउंड के साथ हील करना, हीलिंग मोडालिटीज में भी जा सकता है. एंड म्यूजिक ऑल्सो इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग थिंग हियर, ओके, म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड डेफिनेटली ये कोई भी लाइन ऑफ वर्क हो, लेकिन ये जहाँ मेरे को सारा पॉइंट टूवर्ड्स कर रहा है, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो आपका बेसिस होएगा, उसके बाद कुछ डेवलप होएगा, ठीक है. उसको अपना बेसिस बनाना लाइफ के अंदर. एंड मैनिफेस्ट, वो मुझे दिख रहा है, आप लोग पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड इसको करने के लिए ना, यू गाइस कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है. अगर आप लोगों को लगता है ना हमारे काम नहीं बन रहे, ब्लॉकेजेस है, तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर वेल्थ वाटर रेमेडी, ठीक है. वेल्थ वाटर रेमेडी आप लोग ले सकते हो. जैसे ही आप लोग स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ोगे ना, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए शिफ्ट क्रिएट करके लेकर आएगा, आप लोगों के वो ब्लॉकेजेस हटेंगे, खुलेंगे, ठीक है. एंड डेफिनेटली वर्किंग विद द हायर पावर्स, हायर फोर्सेज एंड एनर्जीज, दैट्स व्हाट्स कमिंग आउट फॉर यू गाइस, ओके. चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस अबंडेंस, इस मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर. आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है. सिर्फ सुनने से तो नहीं होएगा, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, वो देखते हैं आपको करना क्या है, जाना कहाँ है. लेट्स सी. गेट्स ऑफ ट्रायंफ, सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ. यू गाइज, ग्रुप नंबर टू, यू आर मेड फॉर सक्सेस. आप लोग बने हो अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, टू बी एन एग्जाम्पल, टू बी एग्जेम्पलरी, दूसरों को दिखाने के लिए कि कैसे करते हैं चीजों को, ओके. वो चीज मुझे दिख रही है. यहाँ पर सन भी है ना, देखो राइज कर रहा है, और ये कोई डार्कनेस से बाहर निकल के. तो यस, लाइफ के अंदर अंधेरा हो सकता है, लाइफ के अंदर इस टाइम पर चीजें यू नो थोड़ी सी हेजी दिख सकती है, बट जहां पर आप जा रहे हो ना, वहां आपके लिए सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, इट इज वेटिंग फॉर यू, ओके. आगे बढ़िए अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी के साथ, मुझे दिख रहा है. बिल्कुल भी ये इल्यूजन्स को अपने ऊपर क्लाउड मत होने दीजिए. यू डोंट नो, अब मैं आपको बता रही हूं तो आप जान रहे हो आपको पोटेंशियल क्या है. डोंट टेक इवन वन स्टेप बैक टूवर्ड्स रीचिंग दैट, ठीक है.
अपने आप को होल्ड बैक करके बिल्कुल नहीं रखना। और कोई भी अगर आप में बिलीव नहीं करता ना, आपकी आपको सुनने की नहीं जरूरत किसी की, आप स्पिरिट की सुनो, सिर्फ भगवान की सुनो, और किसी की नहीं सुनने की जरूरत आपको, ठीक है। वाओ, चेंज एंड प्रोग्रेस लुक। और जैसे आप देखोगे ना, सी यहाँ पर इस पर्सन के पास बोट नहीं है, ये खुद एक बोट बना के जैसे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वो दिख रहा है। जैसे आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये सब चीजें चल रही है। आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी है ना, आप खुद कुछ कर लोगे, स्पिरिट आपको कुछ गाइड करवा के, आप यू डोंट नीड एनीथिंग गाइस, आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे। मेरे को वो दिख रहा है जैसे कि आपको एक हायर पावर्स वर्क करेंगी आपके फेवर में, ओके। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने को हम लोगों को इतना सब कुछ चीजें चाहिए, या इतना कुछ करने को हमें कुछ यू नो बैकिंग चाहिए। नहीं, आपको आपके पास जो बैकिंग आपको चाहिए वो है आपके पास, आपको डरने की नहीं जरूरत। कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी आ रहा है मुझे यहाँ पर इन सब चीजों से रिलेटेड, ओके। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग आल्सो आई एम सीइंग। माय गॉड, रियलाइजेशन, डेफिनेटली इस ग्रुप को मैंने बोला ना, आपको जैसे कुछ रियलाइज हुआ है या बहुत जल्दी आपको होगा, मतलब आप बहुत चीजें समझोगे डीप लेवल पर कि आप कौन हो, आपका लाइफ में पर्पस क्या है, पोटेंशियल कैसे, बहुत क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते होंगे। आपको बहुत जैसे हायर पावर्स हिट करेंगे इस नॉलेज के साथ, इस विजडम के साथ, इस गाइडेंस के साथ, एंड चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस लेकर आएगी आपके लाइफ में, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप इन चीजों की बात सुनो, सिट विद योर सेल्फ एंड लिसन कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है, जिस पाथ पे आप हो क्या वो सही है आपके लिए, या आपको चेंज करने की जरूरत है, या इसी पाथ पे आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, ग्रोथ कैसे लेकर आ सकते हो। लिसन टू द यूनिवर्स, दे आर गाइडिंग यू, ओके। टेक अ ब्रेक। वाओ, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। सो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर टू है ना, आप लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो सकते हो चीजों को लेकर। आप लोगों के लिए जैसे हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा हो सकती है, आप में इम्पेशेंस बहुत हो सकता है, एंड एक और चीज दिख रही है, ओवरवर्क करना, पता ही नहीं कि रुकना कब है, जो कि ये आपको एक बर्नआउट की एनर्जी में लेकर जा सकता है, ठीक है। बिकॉज वी हैव द डेविल हियर, सो बर्नआउट, जो मैं अपनी इंट्रो में बोल रही थी, पहले इंट्रो नहीं देखा तो इंट्रो जाकर देखना जरूर, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा क्या है होने वाला था, एंड इट हैपन्स बिकॉज हम बहुत ज्यादा जब डाउनलोडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जीज को प्रोसेस करते हैं, तो हम एक बर्नआउट की एनर्जी में भी चले जाते हैं। ओवरवर्किंग, बहुत ज्यादा टायर हो जाना, उससे पहले पुल बैक करना बहुत जरूरी है कि आपको वो कंप्लीट बर्नआउट हो जाए, उससे पहले टेकिंग अ ब्रेक, रिज्यूविनेटिंग, रिलैक्सिंग, वो आपके लिए आए। सो टेक अ ब्रेक, ओके, टेक अ ब्रेक। इतना ज्यादा अपने आपको स्ट्रेस मत करो, आपका लाइफ का पर्पस है, पूरी लाइफ चलेगा, एक दिन में नहीं अकम्प्लिश कर पाओगे इन सब चीजों को। सो टेक अ ब्रेक, सेंटर योर एनर्जीज, काम देम डाउन, एंड स्टार्ट वंस अगेन विद all your zeal, with all your power, and gather yourself. मुझे बार बार सुना रहे, gather yourself, gather yourself. If you are all over the place, gather yourself. Center your energy, ground yourself, and then begin once again. Okay? So that was your reading, group number 2. कैसी लगे मुझे जरूर बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज इस रीडिंग के लिए मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली फॉर रेमेडीज, फॉर योर टैरो कार्ड रीडिंग्स एज वेल। ऑल द डिटेल्स हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डू लेट मी नो कि क्या है आपकी लाइफ में, अगर कोई प्रोग्रेस होता है, कोई सक्सेस आपको मिलता है, कोई ग्रोथ हो रही है, मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की स्टोरी सुन के एंड आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ग्रुप नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। इफ यू चोज दिस ग्रुप बाय दिस क्रिस्टल, सो दिस इज योर रीडिंग, या आपने कुबेर भगवान जी की एनर्जी से अगर ये ग्रुप चूज किया, we'll get started, okay? So, सबसे पहले, this is the golden quartz, okay? Which is connected to your solar plexus chakra, the energy of abundance, of manifestation, of immense wealth. And Kubera, he also sits in this energy. You know, our Kuber Bhagwanji jo hai, he is the god of money, of wealth, and he has so much of it, and it is stored. ऐसा वेल्थ नहीं है जो आ रहा है जा रहा है, उनके पास स्टोर्ड है बहुत ज्यादा टाइम की, जैसे एक होता है ना एनर्जी। सो जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज किया है, लाइक मुझे ऑलरेडी आप लोगों के लिए पोटेंशियली फील हो रहा है, जैसे आप लोग लाइफ में बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे ओवर द ईयर्स, जैसे एक्यूमुलेटेड वेल्थ मुझे दिख रहा है, या आप लोग एक बहुत ज्यादा आपको जो है
इनहेरिटेंस आएगा या ऐसी चीजें होंगी जहां आप बाहर से भी बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन करो. मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एनर्जी ऑफ मनी. ठीक है, मनी की एनर्जीज बाकी दोनों ग्रुप्स की भी थी बट इस ग्रुप की जैसे बहुत बड़ी है, स्टोर्ड है, ब्लेसिंग्स भी है और दूसरे लोगों का सपोर्ट, दूसरे लोगों का हाथ भी है इस चीज के अंदर, वैसा मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी फॉर यू आपकी करंट एनर्जीज क्या है मनी को लेकर. ओके, आपके करियर को लेकर लेट्स सी. वाओ, यू हैव द थ्री ऑफ वांड्स. ऑलराइट, यू हैव द स्ट्रेंथ. ओके, एग्जॉशन. Oh my god, the burden. What is happening? You guys, you are burnt out. आप लोग तो मुझे बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, जैसे कोई बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत एफर्ट लगा रहा है और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कोई थक चुका है, हार चुका है. नंबर 69 आप लोगों को दिख सकता है. आप लोग थक गए हो किसी तरीके का वेट करते करते. आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, आप हिम्मत रख रहे हो लेकिन अब जैसे आप हिम्मत हार रहे हो, आपको कहीं ना कहीं आपको हारा हुआ फील हो रहा है लाइफ के अंदर, बहुत बर्डन फील हो रहा है. आप जो चीज का वेट कर रहे हो नहीं रही आपकी लाइफ के अंदर, वो आ नहीं रही. एक सक्सेस आपको जैसे मिल नहीं रही है या किसी तरीके का ग्रोथ, प्रमोशन या मोर ऑफ फाइनेंसिस मनी, आप वो आपकी वो चीज वेट में ही निकल जा रही है. आप वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो बट वो हो नहीं रहा है, जैसे वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए. तो बहुत हारा हुआ, बहुत थका हुआ, बहुत लो वाइब में आप दिख रहे हो मुझे, लो एनर्जी में दिख रहे हो मुझे ग्रुप नंबर 3. ओके, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर दिख रही है, जैसे लोगों की आप बहुत एंटैंगल्ड हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के. हो सकता है आपकी फैमिली आप पे डिपेंड करती हो फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस. आप दूसरे लोगों को जैसे अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट कर रहे हो या बाकी लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है. आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग बट कुछ हो नहीं रहा है मेरी लाइफ के अंदर. यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग आपको मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आप फील कर रहे हो. ओके, चलिए देखते हैं आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है. लेट्स सी दैट फॉर यू. ओके, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आए मुझे, लाइक मैं यू नो इतने दूसरे ग्रुप्स के लिए कार्ड्स नहीं गिरे, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एडिशनल मैसेजेस है बिकॉज आपकी प्रॉब्लम भी दूसरों से अलग है, प्रॉब्लम भी एडिशनल है दूसरों से. लेट्स सी आपके लिए क्या है, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है लाइफ के अंदर टू अर्न मनी. ओके, लेट्स सी दैट. वाओ, फोर ऑफ वांड्स. Okay, we have three of wands in the present energy and then we have four of wands in your potential. Queen of cups. Definitely, wait to kar rahe ho kisi cheez ka. Aap marriage ke liye wait kar rahe ho, stability ke liye wait kar rahe ho, koi apna ghar, property, kuch banane ke liye, kisi tarike ka promotion ke liye, aise kisi cheez ke liye aap wait to kar rahe ho, mujhe dikh raha hai yahan par. The fool. जगलिंग चल रही है लाइफ में बहुत ज्यादा, बहुत कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है, मोर देन एक काम कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज अलग अलग जगह से इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, एक काम घर और करियर को बैलेंस कर रहे हो या एक काम और साथ में पढ़ रहे हो, कुछ तो जगलिंग चल रहा है इसलिए इतना ज्यादा बर्नड आउट भी लग रहे हो. मैच्योर्ड वुमेन नंबर 6. कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे एज भी जैसे ज्यादा दिख रही है या आप लोगों के माइंड में आपको लग रहा है कि जब तक मुझे ये सब चीजें अचीव कर लेनी चाहिए थी तब तक नहीं हुआ है. आपको किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि मेरी एज होती जा रही है, मेरी एज बढ़ती जा रही है और मेरा काम नहीं बन रहा, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर. ओके, एंड देन यू हैव द वर्ल्ड. ओके, नंबर 29, नंबर 11. ओके, आप लोगों का पोटेंशियल क्या है, आप लोगों का पोटेंशियल मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट बहुत पोटेंशियल है आप लोगों का अपनी लाइफ के अंदर. ओके, लाइक आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे जो दिख रहा है ना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो, राइट? अब वो स्टेबिलिटी आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, लाइक आपको यू नो अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर्ड घर बनाना है, आपको एक ऑफिस स्पेस करना है रेडी, या आप एक प्रॉपर्टी, एक ऐसा लैंड अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाना चाहते हो जो बाकी के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स भी जो है उस चीज को
यू नो उस चीज के लिए वो कर पाए, वो भी उस चीज का पार्ट रह पाए. आप किसी तरीके की आपकी ना इमोशनल नीड्स से कनेक्टेड मुझे आपके फाइनेंसेस दिख रहे हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो. मुझे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वाइब्रेंट हो रही है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो. फिर अ मैन, जैसे आपकी एक इच्छा होगी कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को, अपने बच्चों को, एक मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का स्पेस हो, मैं उनको सिक्योरिटी दूँ. या आप एक फीमेल भी हो तो जैसे मैं अपने पेरेंट्स को या मैं अपने सिबलिंग्स को एक अच्छी लाइफ दूँ, वो इस तरीके की फीलिंग्स रखना, अपने इमोशंस रखना मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. बहुत मैच्योर्ड हो ग्रुप नंबर 3, यू आर वेरी मैच्योर्ड, क्योंकि यहाँ पर तो आप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ऑलरेडी आप उस चीज के लिए प्लान करो. ये चीजें सोचना भी सबके बस की बात नहीं है, तो अपने आपको हारा हुआ तो बिल्कुल मत फील करो. आपको सपोर्ट मिलेगा जब आपके थॉट्स इतने अच्छे हैं, व्हेन योर थॉट्स आर सो ब्यूटीफुल. कुछ लोगों के लिए मेरे को सिंगल मॉम्स, डिवोर्स्ड पेरेंट्स की भी एनर्जीज आ रही है, एंड दोज आर वो आप अपने बच्चों के लिए फिर आगे एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, वो भी दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए. ठीक है, बहुत सिंगल पेरेंट की एनर्जीज है यहाँ पर वाइब्रेंट. ठीक है, डेफिनेटली. तो आप लोगों के लिए जैसे मेरे को यहाँ पर दिख रहा था, तो आपका थॉट पैटर्न, इट्स कमिंग आउट ऑफ लव. ये जो सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, करियर जो चाह रहे हो, ये एम्बिशन से नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली लव एंड नीड्स से आ रहा है आप लोगों के लिए, होम से आ रहा है आप लोगों के लिए, वो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. ठीक है, पोटेंशियल क्या है, यू हैव अ वेरी बिग पोटेंशियल गाइज. आप ये सब अचीव करने के केपेबल हो अपनी लाइफ के अंदर, यू आर केपेबल. और इसको देखो, सी मैच्योर्ड वुमेन, आप लोगों के लिए जैसे टाइम लग सकता है, यहाँ पर फूल, देखो फूल क्या कर रहा है यहाँ पर, वो जगल कर रहा है, वो बहुत थक चुका है, he's like, he's just in that energy, a lot is going on. लेकिन मैच्योर्ड वुमेन बैठी हुई है, शी इज सिटिंग ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, शी इज सिटिंग इन अ होम, देर इज लग्जरी एंड देर इज दैट सेरेनिटी ऑन हर फेस. ओके, हर हैंड्स देयर इज अ लिटिल एंग्जाइटी. एंग्जाइटी क्यों? हो सकता है आपको आपके लाइफ में कुछ मिसिंग है. मुझे लिटरली अभी बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, जैसे आप लोग डिवोर्सीज हो सकते हो, आप लोग सिंगल हो सकते हो, आपकी शादी नहीं हुई या हो नहीं रही, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरीके का कुछ हो सकता है. आप पे बर्डन्स, एंजाइटी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ना आप लाइफ में कर पाओगे, इस चीज को अचीव कर पाओगे, इस एनर्जी में पहुंच पाओगे, ये मुझे दिख रहा है. द वर्ल्ड इज अ वेरी बिग एनर्जी गाइस. वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया. ओके, दैट थिंग, आप में पोटेंशियल, आप एक दुनिया यू नो की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आप इतनी जगह आपकी एनर्जी स्प्रेड हो सकती है, आप इतना कुछ क्रिएट कर सकते हो. द वर्ल्ड यू नो कैनॉट लिमिट यू, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम फीलिंग फॉर यू. आप बहुत मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, आप में बहुत टैलेंट्स है, आप बहुत चीजों के लिए वर्क कर सकते हो, और ये जो आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आप ये कर पाओगे. ये आपका ट्रू पोटेंशियल है मुझे यहाँ पर दिख रहा है. ओके, स्पिरिचुअलिटी, मुझे व्हाइट लोटस यहाँ पे दिख रहे हैं, व्हाइट लोटस, लक्ष्मी माता की भी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ. लक्ष्मी माता को भी पूजा करो, उनकी भी प्रेयर करो. आपके लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी मुझे कुछ आता हुआ दिख रहा है, जैसे स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर एक विजडम, एक नॉलेज है, ठीक है, जो आपको हर एक अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, आपको रास्ता दिखा सकती है अपनी लाइफ के अंदर. प्लीज गो बैक एंड ट्यून इन टू दैट पोर्टल ऑफ योर हार्ट, एंड दैट विल रियली हेल्प यू, यू नो आपको हेल्प करेगा ये. ओके, चलिए देखते हैं आपका ट्रू पोटेंशियल क्या, आप क्या बन सकते हो इस लाइफ के अंदर, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सी. ओके, वाओ, ट्रू लव, आई टोल्ड यू गाइस, आई टोल्ड यू, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर, एंड यू नो वी हैव दैट नॉचरिंग केयरिंग एनर्जी. आप लोगों की ऐसी एनर्जी, नॉचरिंग केयरिंग, आप अपने से पहले अपने अपने घर वालों के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हो. यू नो आपके लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस, योर स्पाउस और योर किड्स, वैसी मेरे को चीज दिख रही. ओके, द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू. मैंने बोला ना, आपका जैसे ड्राइविंग फोर्स लव है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दे वॉन्ट टू मेक मनी बिकॉज वो फेम, सक्सेस, अबंडेंस चाहते हैं, आप लोगों के लिए आपका ये सब प्यार से जनरेट हो रहा है. लव फॉर योर सेल्फ, लव फॉर द कम्युनिटी, लव फॉर अदर्स, यू नो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपका ड्राइविंग फोर्स है, एंड आपका ट्रू पोटेंशियल टू अचीव दिस इज वॉट आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, द वेटिंग गेम,
वाओ, आई जस्ट टोल्ड यू राइट दैट आपकी लाइफ में आपको सक्सेस लेट मिल सकता है, अपनी जिंदगी में डिले पे मिल सकता है, बट मिलेगा जरूर, आपको पोटेंशियल है. ओके, इट्स लाइक अ ट्री. आपसे मुझे एक ट्री की एनर्जी, ट्री की वाइब्स आ रही है, जिसकी पहले रूट्स यू नो नीचे जाती है, अंधेरों में जाती है, अननोन रास्तों में जाती है, एंड उसके बाद जो वो ट्री है वो ऊपर आता है, उसकी ब्रांचेस निकलती है, उसमें यू नो लीव्स आते हैं, उसके अंदर फिर फ्रूट्स आते हैं, वो वाली चीज. सो आपके लिए टाइम का गेम है. टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपकी ये डेस्टिनी आपके कंट्रोल में हो जाएगी. यू नो, एक दिन होएगा जब आपको ये मिल जाएगा, जब आपके लिए ये सक्सेस आपके सामने एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे बन के क्रिएट होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा. बट यहाँ पर टाइम का प्ले है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले. ओके, नंबर 1122 भी आप लोगों को दिख सकता है. टेक इट एज अ साइन एंड सी इफ यू हैव एनी मैसेजेस फॉर यू. ओके, बट हैव पेशेंस गाइस, हैव पेशेंस. आप अगर लेट जरूर हो सकते हो लाइफ के अंदर, लेकिन ये चीज अगर आपके लिए है जो कि यहाँ पर दिख रही है मुझे है, तो वो मिस नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर, आप वहां पहुंचोगे जरूर. वो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. ठीक है, यू हैव ब्यूटिफुल पोटेंशियल गाइज इन योर लाइफ. डोंट थिंक कि जो अभी लाइफ के अंदर चल रहा है यही लाइफ है, या बहुत इट्स टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम्स, इट्स टू लेट टू फुलफिल योर विशेज. नॉट एट ऑल गाइज, इट इज नॉट टू लेट. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं कौन सा आप लोगों के लिए करियर लाइन स्पिरिट सजेस्ट करती है दैट आपको इस सिक्योरिटी तक, आपको इस यू नो फाइनेंशियल गेन्स के टूवर्ड्स ले जाएगा अपनी लाइफ के अंदर. आप लोगों के विशेस भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है. आई एम फीलिंग लाइक आप ना सिर्फ क्रिएट करना चाहते हो एक सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि आपका सब कंफर्टेबली सब रह ले. यू नो, आपके अंदर वो हंगर नहीं है पावर की, वो मुझे नहीं दिख रही है बिल्कुल भी. ओके, चलिए देखते हैं. 1, 2 एंड वी पिक 1 मोर, वी हैव 3. ओके, ऑलराइट, फैशन. ओके, सो फैशन इंडस्ट्री. ऑलराइट, सो वी हैव वुमेन, मेन. ओके, किसी तरीके से इस फैशन से जुड़ना, ज्वेलरी, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग चीजें, मॉडल्स, यू नो, इन चीजों से रिलेटेड आपका जैसे पर्पस हो सकता है. अगर आपको मन करता है, यू नो, इफ यू फील अ कॉलिंग टुवर्ड्स दिस, आप इन सब चीजों से रिलेटेड जा सकते हो. किसी कुछ लोगों का मुझे बिजनेस फील हो रहा है, जैसे इन सब चीजों से रिलेटेड किसी का बिजनेस हो सकता है, यू नो दैट थिंग. मनी, ओ माई गॉड, यू ऑलरेडी हैव द एनर्जी ऑफ मनी. इन सब चीजों से मनी जनरेट करना आपकी लाइफ के अंदर. वी हैव अकाउंट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बैंकिंग, ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स, लोन, टैक्सेशन, किसी तरीके के बिजनेस एनालिस्ट, मनी को लेके एडवाइजिंग देना, समझना, यू नो, किसी की जॉब्स, इस तरीके की चीजें मुझे फील हो रही है. या इस फैशन की इंडस्ट्री के थ्रू पैसे कमाना. ओके, यू गाइस कैन सी, जो आपकी कॉलिंग्स है उस चीज को देखो, उस चीज को समझने की कोशिश करो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्लोदिंग बहुत ज्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है, क्लोदिंग. ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स को, बट डेफिनेटली समथिंग टू डू विथ फैशन, ज्वेलरी, क्लोदिंग, वुमन, अलग से स्टाइलिंग करना. ओके, मुझे इन चीजों के टूवर्ड्स भी एनर्जीज दिख रही है. देन यू हैव एजुकेशन. ऑल राइट, सो यू हैव टीचर, प्रोफेसर, काउंसलर, हेड किसी जगह के का. ओके, एंड हायर एजुकेशन, लर्निंग, रिसर्च, इन सब चीजों से एनर्जी जुड़ी हुई. मैच्योर वुमेन, वेरी स्ट्रांग, वेट कर रही है. येस, डेफिनेटली. सो आप लोग इन सब चीजों से भी जुड़े हो सकते हो. ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है कुछ लोगों के यहाँ पर, ऑनलाइन वर्क करते हो. ओवरसीज भी कोई काम हो सकता है, कहीं पे बैठ के बाकी लोगों को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करना इंटरनेट के थ्रू, इस तरीके की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. ओके, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है. पोटेंशियल करियर लाइन्स जिससे जुड़ के आप इस अबंडेंस तक, अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हो. ओके, फ्रीडम. ऑल राइट, आप लोग के लिए ना फ्रीडम जैसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है. आप लोगों की फ्रीडम एंड हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता. जैसे ही आप कहीं बंदोगे ना, किसी भी जॉब में, किसी भी चीज में, अगर आप बंदोगे, आपको लगेगा यू विल फील ड्रेन्ड, यू विल फील लॉस्ट. आप ऐसे कामों के लिए बने ही नहीं हो, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज. आप लोगों को जैसे स्पिरिट एक बहुत ज्यादा वाइड चॉइस भी देगी, कि आप बहुत सारे लाइन्स ऑफ वर्क से चूज कर सकते हो, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर. आप लोग जैसे, आप लोगों के लिए चॉइसेस बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से हो सकती है, तो लिसन टू योर हार्ट फॉर एक्यूरेट गाइडेंस. ओके,
वाओ, यू हैव स्पिरिचुअल टीचर। इस ग्रुप में बहुत ज्यादा वो वाइब्स है स्पिरिचुअल टीचर होने की। ओके, यू हील विद योर क्लासेस, सेशन, सेमिनार्स, किसी तरीके की क्लासेस, कुछ सिखाना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअली हो, लेकिन अगर आप एजुकेशन में भी हो ना, तो आप जैसे एक बहुत डीप लेवल पे सिखाओगे लोगों को, लाइफ लेसन भी सिखाओगे, या आप कुछ बोलोगे, आपके कोई सेशन, आप कोई क्लासेस लेते हो, आप बहुत डीप लेवल की बातें करते हो। मुझे आप शैलोनेस नहीं दिख रहा। सी, यहाँ पर भी हमारे पास पानी है, लाइक इट्स लाइक द सी वॉटर दैट वी हैव। सो यू आर अ वेरी डीप पर्सन, वेरी वेरी डीप। आपसे कोई बात करेगा ना, आपके अंदर जो नॉलेज, वो विजडम है, वो रिफ्लेक्ट होएगा बाहर आकर। एंड ये आपका एक लाइफ पर्पस है, चाहे आप किसी भी लाइन ऑफ वर्क में हो, आप जो भी करते हो, ये इस तरीके से जुड़कर एक्सप्रेस करना आपके लिए एक चीज़ है, एक मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग तो मेरे को स्पिरिचुअल लाइन में ही, वही करियर पाथ, उन्हीं से चीजें सिखाना, उन्हीं से रिलेटेड ये सब चीजें करना, वो आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, बुक्स, वाओ, you connect to your life purpose through your involvement with books and we have research, learning, higher knowledge. हमेशा जैसे अपने आप को एक higher knowledge देते रहना, upgrade करते रहना, higher education, studies, और ज़्यादा चीज़ें सीखते रहना। लाइफ में सीखना कभी नहीं बंद करना आप लोगों को, ठीक है, दैट थिंग। एंड यहीं से आपका कुछ लाइफ पर्पस है, बुक्स से भी कनेक्टेड हो सकता है आपका लाइफ पर्पस, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यस, प्रोफेसर, काउंसलर, मेरे को ये सब चीजें बहुत वाइब्रेंट दिख रही है यहाँ पर। ऑल राइट, नेक्स्ट, लेट्स सी, लुक टू द स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल कनेक्ट्स, रेकी, टैरो कार्ड रीडर्स, यू नो, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। जैसे आप लोग इन्फ्यूज करोगे अपने काम के अंदर ये सब चीजों को, एंड अगर स्पिरिचुअलिटी में हो तब तो डेफिनेटली ये सब है ही आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ कनेक्ट आपका बहुत मेजर इन सब चीजों से दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव सेक्स हियर, द एनर्जी ऑफ सेक्स, एंड सेक्स व्हेन वी सी इट एक्चुअली गेट्स एक्टिवेटेड, यू नो, इट एक्चुअली कॉल्स आउट टू अ सेक्रल चक्रा व्हिच इज द चक्रा ऑफ क्रिएटिविटी हियर। ओके, तो जैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सी, वी डोंट हैव टू टेक द कार्ड जस्ट द वे यू नो थिंग्स आर मेंशनड योर, बट सम किसी से कनेक्ट करना, यू नो, आपका सेक्रल चक्रा एक्टिव होना, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव है, यू नो, सो यू आर क्रिएटिंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी डीप इमोशनल एनर्जी। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे एक तो होता है कोई आर्ट, ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, वो कुछ आर्ट बना रहा है, यू नो, उसने कुछ भी एक इंस्पिरेशन लिया, बना दिया। एक होता है अपने डीप इमोशन से उसको ट्रांसम्यूट करके, अपने हार्ट से कनेक्ट हो करके, मेरी लाइफ का ये एक इंसिडेंट है, या ये इंसिडेंट मुझे बहुत इमोशनली डीपली टच किया, उस चीज से क्रिएटिवली कुछ डेवलप करना, कुछ बनाना। इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड विद योर इमोशनल एनर्जी, मिक्सिंग इट विद योर इमोशंस, देन उस मैसेज को किसी और को कन्वे करना, यू नो, वो चीज। इस तरीके की मेरे को आप लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है विद दिस। आपको नंबर 444 दिखेगा, इसका मैसेज समझना, एंड नो दैट यूनिवर्स इज वर्किंग विद यू, दे वांट यू टू नो दिस। या मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, माई गॉड, आई जस्ट टोल्ड यू आई डिड नॉट सी द कार्ड्स। ओके, सो वी हैव 444 एंड वन मोर फोर, हाउ मेनी फोर्स, माई गॉड, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल प्रेजेंस है। आप एक बहुत नेक्स्ट लेवल के स्पिरिचुअल टीचर या होलिस्टिक हीलर या बहुत नेक्स्ट लेवल के जो हो वो पर्सन हो, बहुत डीप लेवल के, आपकी सोल बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर आई है, आप जानते हो ये बात, आपके सोल में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस है। ओके, आपके हाथों से कुछ होएगा, कि हाथों से एनर्जीज निकलती है, यू कैन हील पीपल, आई एम सीइंग समथिंग हैपन विद योर हैंड्स, यू हैव सो मच लव, यू हैव सो मच पावर्स विद इन यू दैट दे कैन फ्लो थ्रू योर हैंड्स। अपने हाथों को किसी तरीके से यूज करना, ओके, किसी को हीलिंग देना, रेकी देना, या फिर यू नो, किसी चीज को आप टच कर लोगे ना किसी, तो वो चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। ये जब पावर्स आप जाकर अटेन कर लोगे ना, जब आप समझ जाओगे कि आप ये हो, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। मेरे को इस पूरी रीडिंग में ना हाथ बहुत दिखे हैं लोगों के, मैं आपको बताती हूँ, पूरी रीडिंग में मेरे को हाथ बहुत दिख रहे हैं। हील करना, यस, यूजिंग योर हैंड्स, योर इवन योर हैंड्स, समथिंग टू डू विद योर हैंड्स गाइस, फिगर इट आउट, ठीक है।
पता करो क्या है ये चीज, क्या कर सकते हो आप अपने हाथों से। आप अपनी आंखें बंद करो अपना, जब आपका चक्र स्ट्रांग होंगे ना, आपको अपने हाथों से एनर्जीज निकलती हुई फील होंगी। आपको कभी कभी अपने हाथ बहुत वार्म फील होते होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर ना हाथ बहुत ज्यादा दर्द भी होने शुरू हो जाते होंगे, या आपने किसी को हीलिंग दी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपको भी नहीं पता आप में कितनी पावर्स है, लेकिन आपने वो पावर दूसरों को दी और आपकी जैसे हेल्थ खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार पड़ गए। तो आप में से वो हीलिंग एनर्जीज निकल रही है। तो पहले अपने आपको प्रोटेक्ट करना सीखो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ वेरी स्ट्रांगली। नहीं आता तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, आई विल हेल्प यू टू डू दीज थिंग्स, ठीक है? आई कैन गिव यू थिंग्स, आई कैन हेल्प यू विद द गाइडेंस ऑफ हाउ कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स। बट येस, पहले अपने आपको प्रोटेक्ट करना। जैसे दूसरों की एनर्जीज आप बहुत ज्यादा पिक कर लेते हो, बहुत सेंसिटिव हो आप एनर्जीज के लिए, वो मुझे दिख रहा है। ओके, बट येस, ये मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। जैसे ऑल ऑफ अ सडन मुझे आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हुए दिख रहे हैं इस लाइफ टाइम में, आपके पर्पज के साथ। यू फिगर इट आउट एंड डू लेट मी ऑल्सो नो हाउ इज दैट हैपनिंग विद यू। ओके, लेट मी नो। ऑल राइट, चलो अब देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, इस जगह तक आप कैसे पहुंच सकते हो, क्या रास्ते हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है, स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, डेजर्ट पैसेज। ऑल राइट, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। Why are we saying that? Why is spirit saying trust there's a divine plan? Because you can't see it yet. अभी आपको लग रहा है कोई भी divine plan नहीं है, आपको जैसे एक बंजर जगह पर आपको अकेले छोड़ दिया। Desert, desert is dry. Desert is the dry energy. चलते जाओ कुछ भी नहीं मिलता है वहां पर, ऐसा लगता है कभी end नहीं आएगा। So आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट और व्हाट यू कैन सी दैट इज नॉट ऑल दैट इज देयर फॉर यू। आपके लिए तो कोई अलग दुनिया वेट कर रही है, आपके लिए ना मैं बताऊं, जैसे मेरे को डेजर्ट में मिराज होता है ना, हमें दिखता है, हमें लगता है जैसे पानी है पर पानी नहीं होता है। पर आपके लिए जैसे यूनिवर्स वहां पे एक पानी भी क्रिएट कर देगा आपके लिए, जैसे एक वहां डेजर्ट के बीचों बीच आपके लिए एक मिरेकल हो जाएगा। मेरे को एकदम से ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? सी, आई विल शो यू समथिंग योर लुक। डेजर्ट एंड वॉटर, मैंने अभी जो आपको बोला, दे आर पता नहीं क्या, दे आर शोइंग मी सम इमेजेस ऑफ ड्राई, मतलब आपकी जिंदगी जैसे आपको लगेगा खत्म हो गई है। और वहां पर फिर अबंडेंस को लेकर आना, वहां पर आप लोगों के लिए सब कुछ लेकर आना, जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता ये इस जगह पे हमें ये मिल सकता है, इस जगह पे ये चीज हो सकती है, वहां पर वो मिरेकल होना आप लोगों के लिए। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके, अफर्मेशंस फॉर ग्रोथ। यस, आपके जैसे सीड्स जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आपको लग रहा होगा जैसे वो चीजें वर्क नहीं हो रही है, बट हो रही है, आपके वो सीड्स लगते जा रहे हैं, बस वो अभी ग्रो अपने टाइम पे करेंगे, बट आपके वो सीड्स लगते जा रहे हैं। सो आपको जैसे बोला जा रहा है दैट जस्ट आप हैप्पीली पीसफुली अपना काम करते रहो, अपने सीड्स लगाते रहो। ओके, एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स में। एक्शन, वाओ, एक्शन आएगा, यूनिवर्स एक्शन लेकर आएगी आपकी लाइफ में, आपके पॉस्ट ये जो लाइफ चल रही है इसके अंदर एक्शन आएगा। एंड नंबर सिक्स, यहाँ पर मनी को लेके मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों का कंसर्न दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज दिख रही है, पॉस्ट मोमेंट दिख रहा है, ड्राइनेस दिख रही है, आप लोगों के लिए एक्शन आएगा, डोंट वरी। ओके, यूनिवर्स कुछ मूवमेंट लेकर आएगी, बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट लेकर आएगी, एंड थिंग्स विल गेट ट्रांसफॉर्म फॉर यू। फुल मून आपके लिए डेफिनेटली कंप्लीशन आएगा, आप प्रोग्रेस करोगे, ग्रोथ आएगी आपकी जिंदगी में जो अभी बहुत ज्यादा रुकी हुई है, मुझे दिख रहा है। ओके, ट्रस्ट योर पाथ। आप लोग बहुत फेथ नहीं रख पा रहे हो यूनिवर्स के अंदर, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको मुझे ये चीज दिखा रहे हो बार बार, जैसे आप एक ट्रस्ट तो रखो यूनिवर्स के अंदर, ट्रस्ट यू हैव टू डू दैट। ओके, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? आपको डर लग रहा होगा कि हम ये करें या नहीं, हमारे पास सपोर्ट है या नहीं, हमारे पास हम किसके बेसिस पे ये डिसीजन ले और आगे बढ़े। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब कुछ छोड़ के सोचो, अगर आपको जो भी आप काम करो लाइफ के अंदर आपको सपोर्ट मिले तो आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पर फ्रीडम है और यहाँ पर ये भी है, ट्रस्ट योर पाथ, सो यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज, एंड इफ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? वेरी पावरफुल मैसेज गाइज, ऐसा मैसेज मैंने कितनी रीडिंग्स करूंगी, आज तक किसी की रीडिंग में नहीं आया ऐसा मैसेज। इट्स लाइक
आप लोगों के पास एक चॉइस है, आपके पास फ्रीडम, आप कुछ भी चूज कर सकते हो और आप सपोर्टेड होगे यूनिवर्स से, वो आपको यूनिवर्स बोल रही है। बस इसको चूज करने के लिए एक चीज अपने दिमाग में रखना, दैट यू हैव टू चूज विद योर हार्ट, विद दैट लव, विद दैट स्पेस ऑफ लव, विद दैट स्पेस ऑफ इंट्यूशन, यहां से आप लोगों को चूज करना है। बट आप लोगों के लिए जैसे कोई लिमिटेशन नहीं है, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू गाइज, वो मुझे दिखा रहे हैं स्पिरिट इस ग्रुप के लिए, ठीक है। आप लोग धीरे 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 करके बाय द टाइम यू मैच्योर, बाय द टाइम आप यू नो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, आप बहुत कुछ कलेक्ट कर चुके होगे अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कुबेर जी की एनर्जी है, यहाँ पर यू नो अबंडेंस की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ऑल ऑफ इट विल कम अलाइव धीरे 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 करके आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। वो आपके लिए दिखा रहे, बस आगे बढ़ते जाओ, जस्ट कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। कभी भी आपको भटका हुआ बहुत ज्यादा फील होता है लाइफ के अंदर, दोबारा से कनेक्ट टू दैट स्पिरिचुअल साइड, वो ही उसको अपना सेंटर बना के चलोगे ना लाइफ के अंदर, तो जहां नहीं भी कोई रास्ते ना, वहां भी रास्ते मैनिफेस्ट होंगे, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में रास्ते ज्यादा नहीं है। आप लोग हमेशा अपना कोई ऐसे पाथ पे फाइंड करते होगे जहां पर अब तो मेरे लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं, वहां रास्ता बनाएगी यूनिवर्स आप लोगों के लिए, ठीक है, ट्रस्ट करो। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3, कैसी लगे जरूर बताना मुझे। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, या आपने यू नो अभी तक नहीं जुड़े हो, प्लीज डू दैट, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई लव ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई लव हाउ यू गाइज अप्रिशिएट ऑल द वर्क दैट आई डू, इट गिव्स मी सो मच मोटिवेशन टू ब्रिंग न्यू वीडियोज टू यू एंड टू कीप डूइंग दिस वर्क एज वेल। यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली फॉर योर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस एंड फॉर रेमेडिंग एज वेल, ओके। आई लव ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।